अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज शो शुरू करने से पहले लाइफ मस्ट गो ऑन, लेकिन शो शुरू करने से पहले अभी ये जो पिछला वीकेंड गुजरा है, जुम्मे के दिन हमें जब मैसेज आया कि सलमान इकबाल साहब, जो कि करता धरता हैं, ARY के CEO हैं, चेयरमैन हैं, उनकी सबसे बड़ी बेटी सुमैया वो इस दुनिया में नहीं रही। और जब माँ बाप को उनके बच्चों के बारे में ये सहना पड़े एक यंग एज में, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है माँ बाप के लिए। इस गम को बर्दाश्त करना एक बहुत मुश्किल टास्क है हर माँ बाप के लिए। एक बहुत ही प्यारा नोट लिखा है सलमान भाई ने, जिसको मैं आपको ऐसे ही बताना चाहूँगी, क्योंकि उसका एक एक लफ्ज़ हमारे दिलों पर नक्श हो गया है। और अलमिया किसी भी माँ बाप को इस आजमाइश से ना गुजारे जिस आजमाइश से इस वक्त सबीन भाभी और सलमान भाई गुजरे हैं। सुमैया उनकी सबसे बड़ी बेटी, जो कि जुम्मे को इंतकाल फरमा गई, और अल्लाह ताला ने जो चीज़ दी थी वो उसकी अमानत थी, उसने वापस ले ली। ये सुमैया उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। सलमान भाई ने लिखा कि ये मेरी फ़र्स्ट बॉर्न थी, ये मेरी पहली बेटी थी, मेरी पहली औलाद थी जिसने मुझे बाप कहा, पहली दफ़ा मुझे डैड कहा, मुझे पापा कहा। इसी के ज़रिए मैंने ये प्यारा खूबसूरत लफ्ज़ सुना था सबसे पहले। और उसके जाने के बाद ये घर सूना हो गया है। बहुत मुश्किल है एक माँ बाप के लिए अपने बच्चों को कंधा देना, जबकि ऐसा उल्टा होना चाहिए। मैं अपनी जान दे के भी उसको वापस ले आऊँ काश, लेकिन अब वो हम में नहीं है। जो उसकी चीज़ थी उसने वापस ले ली, और अल्लाह ताला उसे जन्नत में ख़ास मुकाम अता फरमाए। तो आप सब भी उस बच्ची के लिए दुआ करें, मासूम बच्ची के लिए दुआ करें, और ये दुआ ज़रूर करें कि उसकी फैमिली को, उसके माँ बाप को सब्र आ जाए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। अभी भी अगर आप जिन जिन लोगों के चले गए हैं प्यारे, मेरी अम्मी नहीं हैं और 2 साल हो गए, मगर अभी भी जब कोई किसी भी जगह में ख़बर सुनती हूँ कि इसका इंतकाल हो गया उसका, सो मेरे ज़ख़म हरे हो जाते हैं, और फिर मैं उस फ्लैशबैक में चली जाती हूँ। मैं अपनी माँ के बारे में, अपने वालिदैन के बारे में जब हम सोचते हैं, आप सोचिए कि आप अपनी औलाद से कितना दुगना तुगना प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि हम माँ बाप से ज़्यादा अपनी औलाद से प्यार कर रहे होते हैं। तो जब किसी की औलाद चली जाती है, तो हंसते खेलते गम में खुशी में हर वक्त उसकी याद सताती है। सो इसीलिए मैं आप सबसे, हम ARY फैमिली हैं, आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, मैं आपको मैके वाले इसीलिए कहती हूँ कि वो फील, वो पॉजिटिविटी जो मुझे इस चैनल से मिलती है, यहाँ इस माहौल से मिलती है, वो हम आपको सुबह सुबह दे पाते हैं। और हम आपकी, आपके घरों में हैं, इतने सालों से आप इस चैनल को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और एक फैमिली की तरह लेते हैं, तो इसमें आपको शामिल करना, मुझे लगा कि आपकी दुआएँ शायद थोड़ा बहुत सब्र इस ख़ानदान को पहुंचा सके। तो मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूं, क्योंकि इस वक्त बहुत मुश्किल होता है किसी भी वालिदैन के लिए ये खबर किसी को सुनाना। और जब मैं ख़ुद पेरेंट हूं, तो इस वक्त मेरा और कुछ बोलना बनता नहीं, बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी नमाज़ पढ़ें, जब भी सजदे में जाएं, अपनी फैमिली के साथ साथ हमारी प्यारी सी प्रिंसेस सुमैया के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसे जन्नत में आला मुकाम दे। आमीन सुम आमीन। एक छोटे से वक्फे के बाद लाइफ मस्ट गो ऑन। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आज की सुबह आपकी मुलाकात कुछ ऐसे टैलेंटेड लोगों से करवा रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस जब आप ऑन स्क्रीन देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो उसी कैरेक्टर के लिए बने हैं। और जब भी वो कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं, हम उसमें खो से जाते हैं, और बिल्कुल वो
एक्टिंग वाला जो झूठ है वो सच लगने लगता है कि नहीं ये तो ऐसे ही होंगे, ये इसी तरह बोलते होंगे, ये इसी तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज होगी. सो जो आपको यकीन दिला देते हैं अपनी परफॉर्मेंस से, इतने ज़बरदस्त परफॉर्मर आज मेरे पास मौजूद हैं अंडर वन रूफ. और मज़े की बात ये है कि दोनों इस शहर के नहीं हैं, वो एक लाहौर से हैं और एक कनाडा से आए हैं यहाँ ख़ास तौर पे. तो मुझे, मैंने कहा कि आज ये बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन होगा जो मुझे इनसे बात करने का मौका मिलेगा तहम्मुल से, और आपको इनकी बातें सुनने का मौका मिलेगा. सो मैं अपनी जो पहली गेस्ट हैं, मैं उनका पैकेज आपको दिखाना चाहूँगी. आप उनको कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपके साथ स्टिक कर जाती हैं, जिनकी वजह से आप पहचाने जाते हैं. चाहे आप कितने भी कैरेक्टर्स कर लें, मगर कुछ चीज़ें हमेशा आपके करियर में एक एक बूस्ट का काम करती हैं. और चाहे आप चाहें भी कि नहीं नहीं अब मैं कुछ और भी कैरेक्टर करूं, मैं, मेरे ऊपर छाप लग गई है, आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते. तो आइए मैं दिखाती हूँ अपनी एक्ट्रेस का पैकेज के उन्होंने कितना प्यारा काम किया है और किस काम की वजह से वो आपको अभी भी याद हैं इतने साल मुल्क से दूर रहने के बावजूद भी. सो आइए वेलकम करते हैं आपकी मारवी और हमारी गजल सिद्दीक. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वेलकम टू पाकिस्तान. थैंक यू. हम तो आज मिल रहे हैं ना. हाँ, मतलब, बिल्कुल. और मुझे तो वाकई ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी मैं फ्लाइट लेकर है ना आई हूं. भाई हम आज मिले और ऑडियंस जो है आपको पूरे पिछले महीने मिलती रही रमजान में, आपने पूरा रमजान उनके साथ गुजारा है. सो कितने अरसे बाद वापसी हुई ऑन स्क्रीन, क्योंकि पहले तो आती रहती होंगी ना फैमिली से. हां, मेरा ख्याल है कि 13 14 इयर्स. वाओ, स्क्रीन पे 12 इयर्स, क्योंकि मैं मॉर्निंग शो होस्ट करती थी. हाँ. उसके फौरन बाद में चली गई थी. तो उसके बाद जैसे ही वापस आई तो आप कनाडा से वापस आई हैं, वहाँ वो ठंडा मुल्क, आपको गर्मी तो नहीं लग रही है? एसी बढ़ाओ, एसी बढ़ाओ भाई. यहाँ तो बहुत अच्छा प्लेजेंट है. हाँ. आपको, आप लोग थक जाते होंगे ना सर्दी बर्दाश्त करते करते. कैसा लग रहा है? हल्का हल्का लग रहा है बगैर जैकेट पहने हुए. बहुत अच्छा लग रहा है यार. सिर्फ मौसम ही नहीं, हमारा जो मुल्क है, हमारे जो अपने लोग हैं, जो वार्मथ है, जो प्यार मिलता है यहाँ से, वो उसकी तो कोई, ये तो प्राइसलेस. मुझे तो बाहर जाके पान बहुत याद आ रहा है. अच्छा. मैंने आपसे पूछना है आपने क्या क्या चीज़ों को याद किया. प्लीज आइए बैठिए, बैठिए, तशरीफ रखिए जी. सो मैंने कहा कि मैं सर अपनी अगली गेस्ट को भी बुला लूँ. मैंने जैसे कहा आपको कि इतने टैलेंटेड लोग अंडर वन रूफ आज आपको मिल पाएंगे, और ये वो लोग हैं जिनका इंटरव्यू सुनने को आप तरसते हैं ना, मिलते नहीं हैं. हम भी बड़े पीछे पड़ते हैं तो जाके हमें वो टाइम देते हैं. सो जो मेरी अगली गेस्ट है, मेहनती खातून है. मैं जब भी उनकी कहीं ना कहीं बात सुनती हूँ और उनकी परफॉर्मेंस देखती हूँ, मुझे बहुत दिल से पसंद आती हैं वो, कि कितनी वो अपने लिए खुद वो पाथ चूज़ करती हैं जो ज़्यादा, जिसमें स्ट्रगल नज़र आ रही होती है. वरना जो शो बिज़नेस पे आ जाता है फिर वो कुछ और सोचता नहीं है, कुछ और भी करना है, कुछ और भी हमारा एम होना चाहिए ज़िंदगी का, वो बस ड्रामे करते रहते हैं. लेकिन ये एक्चुअल ज़िंदगी में क्यों आई हैं शो बिज़नेस में, ये आप आज जान पाएंगे. आइए मैं आपको दिखाती हूँ इनका पैकेज. नबील सुनो, कहीं हम दोनों 7 year itch syndrome का शिकार तो नहीं हो रहे? अच्छा सुनो, I'm sorry. देखो मूड ऑफ ना कर लेना. नबील, पाकिस्तानी फिल्म्स और ड्रामास की सफ़े वल्की मशहूर अदाकारा, आपने अपनी अदाकारी से फर्जी किरदारों को हकीकी रंग देकर उनमें जान डाली. आज बनी हैं हमारी मेहमान. आपने थिएटर की दुनिया में अपने फन का मुजाहिरा करते हुए करियर का आगाज किया और जल्द ही टीवी स्क्रीन्स पर एंट्री दी. एक तो ये मोहब्बत करने वाले कभी कभार प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते. 1995 में उस वक्त के मशहूर ड्रामा सीरियल जर्द दोपहर में आपकी अदाकारी को खूब पसंद किया गया. इसके बाद मशहूर ड्रामास में आपको बगैर किसी वक्फे के देखा जाने लगा. आपके यादगार ड्रामास में मेरी जात, जर्राए बेनिशां, यारियां, सदके तुम्हारे, दिल ना उम्मीद तो नहीं, उडारी और संगे माह जैसे नाम शामिल हैं. आपके कामयाब करियर में ड्रामा के साथ साथ सुपर डुपर फिल्म्स में भी अदाकारी की, जिनमें मोर, जिंदा भाग, दुख्तर और जीवन हाथी जैसे नाम शामिल हैं. आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड सामिया मुमताज. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू. प्लीज आइए बैठिए.
मुझे उन्होंने कहा सफेद वाले पे बैठो, उधर जाओ जहाँ आपकी मर्जी, जहाँ आप कंफर्टेबल हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कैसे हैं आप? आप लोगों की आपस में मुलाकात है? अभी हम मिले। हाँ जाहिर है, आप बल्कि इनके मैंने प्लेस देखे हैं इनका, उनको मैं बताया भी कि आपका उडारी बहुत अच्छा लगा था मुझे। थैंक यू, बहुत जबरदस्त एक्टिंग। कौन कौन सी प्लेस हैं ऐसे जबरदस्त जो इन्होंने, मतलब बेस्ट? मैंने बहुत कम देखे हैं लेकिन उडारी मैंने पूरा देखा था। लेकिन किसी किसी एक्टर को ना स्क्रिप्ट की सेंस बहुत अच्छी होती है, मतलब वो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको, जो बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि स्क्रिप्ट क्या सेलेक्ट करना है। आप अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ बहुत अच्छे स्क्रिप्ट सेलेक्ट करती हैं, सो वो बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन बन जाती है। कोशिश करती हूँ लेकिन बहुत कम कम आते हैं शाज़ो नादर, क्योंकि एक तो आप भी तो कम कम आती हैं। बहुत कम करना चाहती हूँ ज़्यादा, लेकिन जिस किस्म के आ रही होती हैं स्टोरीज वो फिर दिल नहीं करता है उसके साथ एसोसिएट होने का। औरतों के लिए जिस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से एक किस्म की क्लास को प्रमोट कर रहे हैं कि ये हमारा एस्पिरेशन होनी चाहिए इस तरह से जीना या इस तरह से चीज़ों को अक्वायर करने वाली, वो फिर अपनी सोच से अगर इतना मुख्तलिफ हो तो नहीं होता फिर। ये तो है, ये तो है। अच्छा अगर मैं गिनती करूँ तो गज़ल ने कितने ड्रामे किए होंगे अपने करियर में? यार मुझे खुद भी याद नहीं काम काम किया, तभी तो कह रही हूँ गिनती करूँ तो, वरना आपको बताऊँ मैंने जितने भी प्लेस किए हों, जितने भी मैं कहीं भी जाऊँ ना दुनिया में, मारवी आ गई, सिर्फ याद मारवी है। ये क्या ये, वजह है? ये मुझे समझ नहीं आती बात। कभी कभार आपकी कोई एक पहचान बन जाती है, जैसे आपको एयरपोर्ट पे कोई देखता होगा तो ओ मारवी आ गई। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे। हालांकि आपने इतने शो होस्ट किए और उसमें आप गज़ल सिद्दीक होती थी, वो गजल से ज्यादा मारवी मारवी। एक्चुअली आपको टीवी पे भी देख के मॉर्निंग शो पे कहते थे मारवी का शो आ रहा है। इनफैक्ट मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी कहते मारवी मारवी का चैनल। अब क्या करें। तो क्या लगता है ये अच्छी चीज है कि कभी कभार वो अच्छी चीज है? निदा बहुत कम ऐसे ब्लेस्ड आर्टिस्ट होते हैं जो जिनमें मैं अपने आप को काउंट करती हूँ कि मुझे ऐसा रोल मिला, इतना स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट मिला, इतनी अच्छी डायरेक्शन मिली, और उस वक्त मिला जब वो पहला सैटेलाइट पर जाने वाला वाली सीरियल थी, उस वक्त रोड खाली होती थी रोड, है ना? तो इस वजह से बहुत ज्यादा उसको फेम मिला। और अच्छी जब टीम मिलती है तो आपको आपको वो ग्रूम करती है। और वो कहते हैं ना कि सुल्ताना आपा की आप फेवरेट, उनको आप बहुत अच्छी लगती थी, उन्होंने मारवी, उस वक्त आप नई थी ना जब आपको मारवी का कैरेक्टर ऑफर हुआ था? मैं नई थी, मैंने कुछ प्लेस उससे पहले किए थे लेकिन सुल्ताना सिंधी प्लेस किए थे, प्लेस मैंने स्टार्ट सिंधी प्लेस से किया था। सुल्ताना पी की जो आपने कहा मैं फेवरेट हूँ, सुल्ताना पी की बहुत सारी फेवरेट्स हैं, हर किसी को लगता है कि मैं ही उसकी फेवरेट हूँ, लेकिन ऐसा नहीं नहीं, नहीं। लेकिन जैसे मैंने देखा है ना कि वो आपको इतने प्यार से देखती हैं, कहीं भी हम दावत वगैरह में मिलते हैं तो वो आपको एडमायर करती हैं बहुत। कभी कभार ऐसा होता है ना अपना पौधा लगाया हुआ, मतलब लाइक बेबीज होते हैं ना। यस यस, अपना पौधा लगाया, कितने सारे आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस कराया है ना, बहुत सारे लोगों को। सो जैसे हमें ये पता है कि गजल जो है वो सुल्ताना आपा का प्ले था मारवी, और उसकी वजह से हेट हुई थी और फिर वो पीछे नहीं देखा, बस आगे चलती गई। तो अगर मैं सामिया से पूछती हूँ तो सामिया कैसे मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान था, उससे पहले भी कोई प्ले था, उससे पहले क्या ऐसा किया था और किसके थ्रू ब्रेक मिला आपको? मैं थिएटर तो कर रही थी बहुत देर से, 90s में मैंने शुरू कर दिया था और बहुत बाकायदी से करती थी थिएटर, लेकिन वो थिएटर होता था फॉर सोशल चेंज, कि अगर कोई आपको लग रहा है कि नाइंसाफी हो रही है आपके माशरे में तो उसको किस तरह से हाईलाइट करना है। स्ट्रीट थिएटर था या प्रॉपर? बेसिकली स्ट्रीट थिएटर था, क्योंकि एक ज़माने में तो हम लोगों को इजाज़त भी नहीं होती थी कि गवर्नमेंट के हॉल में हम परफॉर्म करें, तो हम अक्सर सड़कों पर ही कर रहे होते, तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का था, उसमें ना कोई ग्लैमर था, ना मेकअप होता था, ना कपड़े होते थे, अवेयरनेस थी। और मेरा ख्याल था कि मैं बस शौकिया वो कर रही हूँ, और मगर जब फिर मुझे एक पॉइंट पे जिंदगी में पैसों की ज़रूरत हुई टू बी वेरी ऑनेस्ट, तब मैंने सोचा कि जब मैं एक्टिंग करती हूँ मुझसे इतने लोग पूछते हैं कि टीवी पे कर लो, तो ये मैं ट्राई करके देखती हूँ। अच्छा, बहुत दफ़ा ऑफर्स आती थी जो लोग देखने आते थे थिएटर, तो वो उसमें कभी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स भी होते थे, वो अगर पूछ लेते थे मुझे लगता था ये तो मैं कभी इसके बारे में सोचूंगी नहीं, टीवी पे जाने। हाँ, टीवी क्या पता नहीं क्या चीज होती है, पता ही नहीं था बला क्या है वो। तो फिर लेकिन फिर जब मुझे जरूरत हुई फाइनेंशियली तो फिर मैंने पहला प्ले किया, एक दफा तो बिल्कुल ही शुरू की बात है, 93 के बाद उस वक्त एक किया था, वो भी हमारे थिएटर ग्रुप में ही
जो थे प्ले राइट शाहिद महमूद नदीम जी, जी वो जी. कर रहे थे तो उन्होंने शाहिद महमूद नदीम साहब तो पीटीवी के काफी जी एक्टिव मतलब कलीग थे मेरे पेरेंट्स के जी जी जीएम भी रहे थे जीएम भी थे डायरेक्टर भी थे बहुत सारे काम किए हैं आप भी वाकिफ होंगी तो वो सवेरा नदीम के फादर जी अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं उन्होंने फिर जब कहा कि ये प्ले मैं कर रहा हूं तो वो सारी हमारी थिएटर की टीम ही थी तो हम उसमें तो मैंने कर लिया था जी वो था वही 93 के अराउंड बट फिर मैं चली गई थी मुल्क से बाहर फिर वापस आई तो फिर मैंने एक ये किया था दिल नादान वो अच्छा रिसीव हुआ फिर मेरी जात जब हुआ निशान, हाँ। तो उससे फिर जिस तरह आप कह रही हैं कि गजल को छाप लग गई मुझे हाँ। भी मेरे ख्याल से एक मजलूम औरत की छाप वहां से लग गई थी हाँ, हाँ। तो वो भी छुड़ानी जरा मुश्किल हुई हाँ। लेकिन फिर कोशिश कर करके डिफरेंट फिर किरदार अच्छा पता है कभी कभार कुछ फेसेस होते हैं ऐसे आपको हर कभी कभार आप देखेंगे कुछ फेस होंगे जो अगर दुखी भी होंगे तो वो हंसते हुए नजर आते हैं लेकिन कुछ ऐसे फेस होते हैं जिनके ऊपर एक कहानी होती है और मुझे ऐसा लगता है आज ये एक इत्तेफाक हो गया कि आप दोनों के फेसेस पे एक कहानी नजर आती है मतलब एक सैडनेस है अल्लाह ना करे कि आप लोग सैड होंगे लेकिन वो एक सैडनेस और एक पूरा कैरेक्टर नजर आ रहा होता है तो शायद इसीलिए आपने भी अपनी जिंदगी में ज्यादातर रोने वाले कैरेक्टर्स किए और आपका भी एक मजलूम वो वाला सेट हो गया मेरे ख्याल हमारे पास ये आई थिंक शायद वो एग्री करें कि हमारे पास जो पहला रोल जो हिट होता है ना हाँ। उस आर्टिस्ट को फिर उसी तरह से डिफरेंट रोल्स ज्यादा नहीं मिलते जब के कॉमेडी आपने कितनी अच्छी की अभी मैंने इसीलिए तो किया था मैंने आपकी भी कॉमेडी देखी हुई है हाँ नहीं वो कोशिश तो ये की है उससे निकले और निदा मैं मजे की बात बताऊँ बहुत सारे लोगों ने मुझे पहचाना ही नहीं था क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं उसमें गजल ना दिखूं मैं उसे मारवी ना दिखूं मैं उसमें वो कैरेक्टर दिखूं सब कह रहे होंगे ये मिलती है देखो ये गजल से कितना मिल रही है मेरे खुद जो यूट्यूब चैनल है उस पे जो कमेंट्स आ रहे थे अच्छा तो आप हैं मैंने सोचा ये अच्छा हो गया एक्सपेक्ट नहीं करता ना अच्छा कभी कभार इंसान अपनी जिंदगी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि हम आगे क्या बनेंगे आप पढ़ कुछ रहे होते हैं और किसी और फील्ड में चले जाते हैं तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं या आप दोनों से कॉमन सवाल है क्या सोचा था बनना क्या है और क्या बन गए देखिए हमारे पास एकेडमीज तो होती नहीं है जो इस पूरे जो हमारा प्रोफेशन बन चुका है आपने सोचा था कि एक्टिंग करूंगी नहीं नहीं अगर मैं सोचती भी हाँ। तो मैं कहाँ जाती पढ़ने के लिए हाँ। मुझे बताएं हमारे तो क्या पास पढ़ा एक वही आर्ट्स आर्ट्स हाँ क्योंकि फैमिली में जो है वो बहनें डॉक्टर्स थी तो वो थोड़ा सा एक इन्फ्लुएंस था कि ये भी शायद बन जाए लेकिन वो इतनी पढ़ाई में मैं होशियार नहीं थी और सबसे छोटी हैं आप माशाल्लाह 9 बहन भाई और सबसे छोटी प्यार मिला माँ बाप का कि नहीं मिला बहुत मिला बाप का थोड़ा कम मिला बिकॉज आई वॉज वेरी यंग व्हेन माय फादर पास्ड अवे तो अम्मा का बहुत प्यार मिला और मेरी मेरी एक अम्मा तो है नहीं मेरी माशाल्लाह से 6 अम्माएं और भी थी 6 बहनें बड़ी क्योंकि उनका और मेरा काफी एज डिफरेंस तो वो उस तरह से पैम्पर भी करती थी डांटती भी थी सिखाती भी थी तो दोस्ती का भी एक रिश्ता तो वो एक बड़ा मजे का एक गुजरा आर्ट्स आपने पढ़ी और उसके बाद आप अपनी दोस्त के साथ आई थी पीटीवी मैं अब मेरी फ्रेंड ने उसको शौक उस जमाने में तो बड़ा एक होता था ना पीटीवी एक देखें क्या है कैसी रिकॉर्डिंग होती है तो उसके साथ घूमने आ गई थी तो वहाँ बस सुल्ताना फी से मुलाकात हुई तो उन्होंने जो है वो उस जमाने में बहुत ज्यादा लड़कियाँ नहीं जाती थी शायद प्लेस ड्रामो में काम नहीं करती थी या टीवी पे काम नहीं करती थी एक वो एक टैबू थोड़ा सा डर और खौफ था जहाँ भी नहीं मिलती थी तो वो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा चले पूछ लेती हूँ ऐसे शुरुआत सुल्ताना आप शुरुआत हिचकी आ रही होंगी सुबह सुबह उनको कह रही होंगी नहीं था पानी पीना पड़ेगा मुझे हाँ समिया आप मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस करी हूँ सामिया है समिया है समिया है मगर इट्स ऑल राइट क्योंकि नहीं कभी कभार होता है ना कि प्रोनाउंसिएशन अलग होती है कोई फर्क नहीं मुझे मालूम है आप मुझसे बात कर रही है बस नाम पुकारना मेरी ड्यूटी है भाई सही पता चले इसी के मीम्स बन जाए मेरे तो अच्छा आपने क्या शुरुआत की थी आपने क्या सोचा था मुझे क्या करना है मैं बहुत अर्ली अपनी जिंदगी में मैंने फैसला कर लिया था कि मैं खेती बाड़ी करूंगी मतलब आपको शौक यही था शुरू शौक मेरा एक्चुअली मैं बहुत एक्टिव थी स्पोर्ट्स बहुत खेलती थी आउटडोर्स बहुत रहती थी और हेल्थ का मुझे बहुत था हमेशा कि क्या खा रहे हैं कब उठ रहे हैं कितना नींद पूरी पानी ये सब चीज़ों का बहुत मुझे शुरू से बहुत शौक क्योंकि होता तो नहीं है लड़कियां तो जल्दी होती हैं बिल्कुल उनको तो बिल्कुल होश नहीं होता जल्दी में इस लिहाज से थी कि मुझे बहुत सारी और चीज़ें नहीं मालूम थी कि ग्रूमिंग वगैरह से ना मुझे कभी इतना शौक नहीं रहा लेकिन हेल्थ का मुझे था कि एक अच्छा हाँ एनर्जी रहे हमेशा एक पॉजिटिविटी क्या खाती थी आप उस वक्त ऐसा कि जैसे लाइक
फल सब्जी पे बहुत ज्यादा जोर. अच्छा. बहुत देर वेजिटेरियन भी रही, फिर सिवियरली एनीमिक हो गई, तो फिर से हल्का हल्का गोश्त खाना शुरू कर दिया. तो खुद ही कर रही थी ना, किसी गाइडेंस के थ्रू तो कर नहीं रही, बस खुद ही सोच लिया करना शुरू कर दिया. पढ़ा क्या था? मैंने पढ़ा था डेवलपमेंट स्टडीज. अच्छा. जो कि एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी पॉलिटिक्स का एक मिक्सचर सा है. और ख्याल मेरा यही था कि मैं किसी डेवलपमेंट एजेंसी के साथ काम करूंगी. हाँ. जिसकी वजह से सबसे पहला मेरा जॉब भी गिलगित में आल खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम में था. अच्छा. और उसमें हुंजा स्कर्दू चित्राल सारा हमारा प्रोजेक्ट एरिया के अंदर आता था. तो मेरा ख्याल था मैं वहीं शायद रह लूंगी. इतना अच्छा लगता था आपको वो इलाका? साफ सुथरा, इतने अच्छे लोग, पॉल्यूशन ही नहीं ना, और नफीस लोग, इतने तमीज और बहुत कायदे के लोग. अच्छा. वो जो कि शायद बाकी मुल्क में जरा कमी है. आप तभी जाके वहाँ पे ज्यादा शूटिंग्स कर रही होती हैं. बहुत आपके प्रोजेक्ट्स आप शौक से करती हैं लगता है. जी. अच्छा, तो फिर आपने कहा आपकी पहली चाहत यही थी कि मैं खेती बाड़ी करूँ. मेरा तो यही इरादा था कि यही करूँगी. और यही फिर मैंने कोशिश भी की कि जब पढ़ने भी गई अमेरिका कि यही मैं एग्रीकल्चर की तरफ जाऊँ, लेकिन मेरे कॉलेज में एग्रीकल्चर एज अ डिपार्टमेंट नहीं था. ओहो. तो फिर इसलिए मैंने रूरल डेवलपमेंट पढ़ लिया. अच्छा. उससे करीब रहने के लिए. हाँ. लेकिन फिर जब वापस आई, थिएटर का शौक था जैसे स्कूल कॉलेज में हम लोग करते हैं ड्रामे उस तरह से, तो मुझे बहुत मजा आता था. तो मेरे ख्याल से बस मजे के लिए हॉबी की तरह मैं करती रहूंगी. अच्छा. पर वो क्योंकि फार्मिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था. हाँ. तो मुझे नहीं मालूम था कि उसको फाइनेंशियली वायबल कैसे बनाओ. तो वो करती रही. जमीन लेना, जमीन के ऊपर पौधे लगाना. हाँ. महंगा शौक है. लेबर सबको बहुत होता है. तो आपको उस वक्त नहीं पता था, आपने कहा पैसे कहाँ से कमाऊंगी? मैं उस वक्त मेरे ख्याल से 22 साल की भी नहीं हुई थी जब. हाँ. ये मैंने काम शुरू कर दिया था फिर. हाँ. फार्मिंग का मैंने सुना है आपने दोस्तों से उधारें कर करके जमीन खरीदी पहले. जमीन कुछ का जो एक पोर्शन जो टुकड़ा है जिसमें. हाँ. मैं करती हूँ फार्मिंग, वो सब मेरी नहीं है. अच्छा. अम्मा अब्बा ने 4 एकड़ ले दिए. अच्छा. लेकिन मेरी कजन ने 1 लिया, खाला ने 2 लिए, किसी दोस्त ने 2-3, इस तरह मिला जुला के फिर. अच्छा. वो है वो नहीं का. अच्छा, अच्छा. उसमें फार्म में करती. सो फार्मिंग से इनकम हो पा रही थी? नहीं. और वो. हाँ. इतनी खराब जमीन थी उसमें, जिसको कलर कहते हैं, सेलिनिटी बहुत थी. हाँ. सॉल्ट जो थी. हाँ. वो ऊपर आई हुई थी. तो उसको तो ठीक करते करते ही बहुत मुझे मेहनत लगी. और मैं कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं, केमिकल्स नहीं यूज़ करना चाह रही. हाँ. होती थी. तो वो भी सारा ऑर्गेनिकली करना. सुने, आप टीवी पे भी आती थी. अब आप जब इतनी धूप में रहते हैं, आपको छाइयाँ ये वो, आप ज़्यादा मेकअप भी नहीं करती, तो आप नहीं ये ख्याल कैसे रखते? तो मेरा रंग अब बदल गया है धूप में रह रहे. नहीं, लेकिन आपके मुंह पे पिगमेंटेशन नहीं है, छाइयां वाइयां जो धूप में हो जाती है. टोपी पहनती हूँ. हाँ. और कुछ सनब्लॉक वगैरह भी, ये भी जरूरी है ना. खवातीन तो जरा सी बस के लिए खड़ी होती है बाहर. हाँ. तो छाइयां पड़ जाती हैं इधर. लेकिन आप एक्चुअली जो ज्यादा है ना इसका खेती बाड़ी का. हाँ. काम वो है इतना अर्ली मॉर्निंग कि जब तक धूप सर पे होती है उस वक्त तक आपका काम खत्म हो चुका होता. सुने, आप मुझसे भी जल्दी उठती हैं. मुझे तो लगता था मैं सबसे जल्दी उठती हूँ. नहीं, मैं 5 बजे तक. थोड़े भाई जीत गई है. अब आप कितने बजे उठती हो? यार मैं भी कोई 6:30 तो बजते हैं लाइक. 6:30 तो कुछ नहीं है, तो 5 बजे उठ रही है. मैं ऐसे ही इतना मगरूर हो रही थी इतने सालों से, मैं स्कूल के बाद फिर यहाँ. अच्छा, वैसे एक बात बताऊँ, जिसका एक रूटीन बन जाता है ना. हाँ. उसको मजा नहीं आता उस रूटीन से आउट. हाँ. निकलने में. और जो कुछ होते हैं ना अर्ली राइजर होते. हाँ. हैं कुछ अर्ली बर्ड्स होते हैं. हाँ. मैं भी इसी तरह से होती हूँ कि मैं सवेरे उठने वाली इंसान हूँ. रात 9 बजने के बाद मेरी बैटरी डाउन हो जाती है. पूरा दिन मिलता है आपको. हाँ, जब आप अर्ली राइजर हैं. मुझे कभी कभार इतना गुस्सा आता है जब सैटरडे संडे अगर आप बिस्तर पे पड़े रहते देर तक, तो मुझे लगता है दिन जाया हो गया. जैसे मैंने 3 साल मॉर्निंग शो जब किया. हाँ. था, तो एक पूरा रूटीन बना हुआ था मेरा. हाँ. और उसके बाद जब मैं कनाडा गई फॉरन से, तो मुझे लगा कि वहाँ रात और दिन मिसिंग, मजा नहीं आ रहा कुछ. तो पूरा रूटीन से आप आउट हो गए. हाँ, हाँ, क्योंकि आप वहाँ तो सुबह नहीं उठती होंगी. बिल्कुल डिफरेंट, एक तो वही अलग. हाँ, सिस्टम हो गया. हाँ. लेकिन फिर जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी, स्कूल में जॉब की, क्या पढ़ाया आपने स्कूल में? मॉन्टेसरी में पढ़ाया. अच्छा. तो वहाँ पर फिर बहुत मुझे उठना पड़ता. कितने साल पढ़ाया? मैंने 6-6.5 साल. 6-6.5 साल. अच्छा, अब मैं उधर तो आई नहीं ना. अभी आपने अपना करियर शुरू किया. आपने करियर फास्ट फॉरवर्ड. हाँ, फिर फ्लैशबैक ब्लैक एंड वाइट कर दें शो को. सो अब क्या होता है, अब टीवी पे आना शुरू हुए आप. मुझे समय आपका नहीं पता, इनका पता है कि आप जब टीवी पे आना शुरू हुई. सो पीटीवी में उस जमाने में ना रिश्ते आते थे खतों के साथ.
अच्छा ये मुझे पता है फजीला का मेरा खत्म है कभी नहीं मुझे क्योंकि उस वक्त मेरे अम्मा अब्बा पीटीवी में जब वो बताते थे कि भाई फलानी हीरोइन आई है तो उसका रिश्ता आ गया उनकी शादी हो गई इनकी शादी बहुत सारी ऐसी उस वक्त अना की हीरोइन जो थी उनके पीछे लोग आ गए थे शादी के लिए वो चली गई आपका भी हमें यही लगा कि गज़ल की शादी हुई और गज़ल चली गई बीच में नहीं ये मज़े की बात ये है कि मेरे हस्बैंड ने मेरा कभी कोई ड्रामा देखा ही नहीं था हाय हाय मज़े की बात ये तो वो माधुरी वाली कहानी हो गई तो फिर तो इसीलिए शायद वो एक एक डिफरेंट लगे मुझे तो ये अरेंज मैरिज मैरिज थी अरेंज कम लव कम अरेंज अच्छा या अरेंज कम लव कह लें मिली जुली थी चीज अब उन्होंने टीवी पे नहीं देखा तो आपको किसी शादी में देखा था नहीं मेरी जो नन थी वो ऑलरेडी टीवी पे काम करती थी हां एसी बंद कर दो तो उससे मेरी दोस्ती थी अच्छा तो उस दोस्ती के हवाले से उसके घर आना जाना टीवी पे क्या काम करती वो बच्चों का शो होस्ट करती थी याद दिलाए ना हमें कौन सा वाला शो वो था एक रोशन तारा रोशन तारा सबको याद है उसकी होस्ट थी हाँ अच्छा So, उन्होंने आपको पसंद किया अपने भाई के लिए उन्होंने नहीं किया बेसिकली अब वो भाई लेने आए होंगे उनको वो मुझे क्यों करेगी उसके भाई ने किया और मैंने अपने उसके भाई को लेके छोड़ने बहन को आए होंगे तो लेकिन ये कि वो बस मुलाकात हुई और एक एक क्लिक करता है ना आपको एक पर्सनालिटी क्लिक करती है उनकी बिल्कुल डिफरेंट बातें प्लेज मेरे देखे नहीं थे तो उनकी कुछ और ही बातें थी सो वो क्या इंटेलेक्चुअल टाइप थे किस तरह के थे जो मतलब वो उन्हीं दिनों में स्टेट से वो अपनी पीएचडी करके आए थे अच्छा अच्छा तो अरे भाई पीएचडी पीएचडी के साथ रहती हूँ मैं सोच ले ओके फिर तो बस वो बड़ी अच्छी उनकी एक मतलब एक रिस्पेक्ट डिफरेंट तरह से उनकी उनकी वैल्यूज कुछ पढ़े लिखे होते तो अप्रोच ही बड़ा मुझे अच्छा लगा था उनसे बहरहाल सो वहाँ ये इस तरह मुलाकात आपकी हुई आपके स्पाउस से आप आपकी कैसे जिंदगी में जो है वो पौधों और दरख्तों के अलावा बहार आई ड्रामे क्योंकि करती थी थिएटर कर रही थी मेरी तो मुलाकात थिएटर के थ्रू हुई थी अच्छा और वो भी एक्टिंग करते थे उस वक्त कर रहे थे हाँ उस वक्त तो काफी पहले की बात कर रही थी अब स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं ज्यादा अच्छा और डायरेक्शन कभी कभार अच्छा फिल्म्स की नॉट टेलीविजन तो उनकी फिल्म कोई बताएं नाम क्या कौन सी उन्होंने सबसे लेटेस्ट तो एक ऐप के लिए किया था कातिल हसीनाओं के नाम ओह यस वो उन्होंने लिखी थी और जिंदा भाग उन्होंने कातिल हसीनाओं के नाम तो बड़ी जबरदस्त पे सरवत और सनम सईद है ना वही वाली बिल्कुल 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 ओह ग्रेट अच्छा और नाम तो बता दें उनका मतलब उनका नाम है क्या फरजाद नबी अच्छा लेकिन वो बहुत प्राइवेट इंसान है वो ज्यादा नहीं आना चाहते हमने कभी उनकी कहीं तस्वीर भी लाइक आपके नहीं वो नहीं उनको ज्यादा वो ना पब्लिसिटी या मीडिया मुझे भी थोड़ा सा पीछे ही रहना पसंद है आप भी बड़ी मुश्किलों से आते ऑन स्क्रीन वही वाली बात है इंटरव्यूज के लिए कम कम ही मिले आपके इंटरव्यूज कोशिश यही होती है मतलब ये लव स्टोरी थी ना जाहिर है हाँ उसके बगैर कैसे जिंदगी गुजार ले जिसने पूरी दुनिया देखी होती है ना वो फिर अपनी चॉइस ही पे ज्यादा ट्रस्ट कर पाता बिल्कुल और हमें हमारी फैमिली में भी कोई अरेंज्ड का तो सीन ही नहीं सीन ही नहीं कोई पता ही नहीं है किस तरह अरेंज करते हैं जिंदगी की जो आगे की इनकी कहानियां वो हम सुनेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान दो बहुत ही प्यारे मेहमान आज हमारे पास मौजूद हैं और आप सरप्राइज हो गए होंगे ना सुबह सुबह आपको इतने डिफरेंट चेहरे देखने को मिल रहे हैं क्योंकि अक्सर होता है ना मॉर्निंग शो का फॉर्मेट कुछ अलग होता है सो मैंने कहा ये मेरी ख्वाहिश हो रही है बड़ी इन दोनों से इंटरव्यू करना है बस कुछ लोग जो हैं वो शायद कुछ जो डेली आपका जो स्टफ होता है वो एक्सपेक्ट अगर कर रहे हो तो उनको थोड़ा सा नहीं नहीं बोरियत होगी लोग देख के रोज दाल चावल नहीं खा सकते उनको किसी दिन पुलाव और बिरयानी भी खानी है सो वैरायटी मुझे कभी इतना अच्छा लगता है क्योंकि मैंने आई डोंट थिंक सो मैंने आपको इंटरव्यू किया या एक दफा आपको शुरू शुरू में मेरा ख्याल से आप आई थी जब आपके देवर भी थे साथ हाँ वो जब हमारी टेस्ट ट्रांसमिशन चल रही थी कि हम होस्ट बनेंगे कि नहीं उस वक्त आप पुरानी बात 10 साल तो हो ही गए नो 14 इयर्स बैक दैट राइट मुझे 14 साल हो गए शो करते हुए अच्छा मेरा ख्याल है निधा मैंने और आपने तकरीबन एक ही उसमें किया क्योंकि जब अच्छा? मैं कर रही थी मैंने 2008 से शुरू हाँ मैंने 6 से शुरू किया था तो मुझे याद है यासिर ने मुझे बताया था जब मैं ज्वाइन किया था आप 2006 से कर रही थी मैं 2006 से हाँ 2006 से कर रही थी सो वो फिर आप चली गई थी तो मेरा ख्याल है कि सबसे लॉन्ग जो पीरियड एक मॉर्निंग होस्ट का रहा है वो शायद
निदा को किसी और चैनल नहीं गई, एक ही जगह अटकी रही, कोई ब्रेक नहीं लिया नहीं, और काफी लंबा कोई और ऑप्शन नहीं था ना मेरे पास, नहीं लेकिन छोटे छोटे बच्चे थे, वो स्कूल जाते थे, मैं भी स्कूल जा रही होती थी, नहीं वो टाइम फिट करना है उसमें, हाँ तो वो मेरी फैमिली लाइफ और उसके दरमियान प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने भी जो बेसिकली स्टार्ट किया था उसका मेन रीजन भी यही था कि मुझे भी अपने बेटे को टाइम देना, वो ही ना, यही तो बहुत अच्छा। अब हम बड़े थे, आपको मिले आपके मियाँ थिएटर में, आपको मिले पीटी, हाँ से सिलसिला टूटा, और जहाँ से मुंतका स्वभाव, एक तो बहुत उर्दूदान बनने की कोशिश करती हूँ, अब्बू ना देख रहे हो मेरे, डांट पड़ेगी। सो आपको पीटीवी से मिले, आपको मिले थिएटर से? नहीं मुझे पीटीवी से नहीं मिले, पीटीवी के बाहर मिले ना, छोड़ने आए थे ना बहन को? नहीं नहीं किसी को नहीं छोड़ने आए थे, मेरी नंद की बर्थडे पार्टी पे, अच्छा, मैं इनवाइटेड थी वहाँ, उनकी फैमिली थी पूरी, तो वो फैमिली वहाँ मुलाकात हुई थी, पूरी फैमिली तालुक ही नहीं बेचारे का पीटीवी से, अच्छा तो बस सही है ना, वो तो ब्रिज तो वही बना ना, अच्छा फिर कोई समाज की दीवार आई बीच में कि नहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई फिल्मी कहानी नहीं है शादियों के बीच में? सच कोई ऐसी कोई मेरी तो बिल्कुल नहीं है, आपकी बिल्कुल भी नहीं है, वो खानदान में कोई प्रॉब्लम नहीं थी अपनी पसंद से, सिमरन अपनी जिंदगी जी रही थी, कोई इशू नहीं, सिमरन को शुरू से बहुत इजाजत खुली थी कि जो जिंदगी में करना है करो नहीं, इस वाली सिमरन को थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस इन अ वे कि मैं सबसे जो छोटा होता है ना उसको जितना पैम्पर किया जाता है उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी ज्यादा लगती है, उस पर सबको डर लगता है कि छोटी है तो नहीं 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 फैसला सही करिए कि नहीं, हाँ, और छोटी है तो उसके साथ कोई ना कोई जाना चाहिए, कोई उसके साथ, तो वो चीजें तो जाहिर होती हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कन्विंस करने में या कुछ, तो अदरवाइज लेकिन ऐसा ऐसा कोई बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उन्होंने किया प्रॉपर, आपने किया? नहीं उन्होंने किया, उन्होंने क्योंकि मेरी नंद जब आई थी ना हमारे घर तो उसने सबसे पहले आते ही मिठाई का डब्बा खोला और सबको मिठाई खिलाने लगी, 50% तो तय है, हम लोगों ने तो तय कर लिया तो मिठाई खा ले, रिश्ता ऐसे मांगा आपका और बाकी आधा जो है वो आप तय करके बता दें तो वो उस टाइप के हैं। अच्छा अब शादी के बाद आपने किया काम? मैंने काफी काम शादी के बाद किया, मैंने मॉर्निंग शो जो है वो भी शादी के बाद किया, मारवी के बाद जितना भी मेरा काम था बेसिकली वो शादी से बाद, अच्छा बाद ही किया मैं, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं बल्कि ज्यादा मैं वही बता रही हूँ ना कि जब मैं अपने घर में थी तो मेरे लिए रिस्ट्रिक्शंस थी क्योंकि मेरे घर के सर्टन रूल्स थोड़े से कुछ स्ट्रॉन्ग रूल्स भी होते थे कि इतने बजे आना है टीवी से सीधा घर आना है मुझे तो ये भी याद है कि जब पीटीवी पर जब रिहर्सल्स होती थी तो वहाँ पे एक चाय का दौर, आपको भी याद होगा आपके फादर ने इतना अम्मी अबू दोनों ने किया है कि जब रिहर्सल खत्म होती थी तो चाय का जो दौर चलता था वो फिर बातें और बैठना, मैं चाय वैसे नहीं पीती थी और मुझे ये भी इजाजत नहीं थी जैसे रिहर्सल खत्म होना है घर आना है वापस, तो मुझे घर और पीटीवी का रास्ता इतना रट गया था कि मुझे सिर्फ वो पता था कि घर से पीटीवी का ये स्ट्रेट रास्ता है, तो ये लेकिन शादी के बाद तो मैंने बेसिकली ज्यादा अपनी जिंदगी जी है, बोल के जी है। अच्छा आपकी जब शादी हुई, आपकी भी यंग एज में शादी हो गई थी? नहीं नहीं मैं तो पढ़ लिख के काम वाम करके फार्म शुरू करने के बाद बड़े आराम। अब वो पढ़ लिख भी तो आप बहुत ही कम उम्र में गई थी, मतलब काम करती रही हैं आप, एक्टिव रही हैं हमेशा, एक्टिव तो हाँ, अभी भी तो मेरी साथ जरा बेनिशान में, यू वर ऑलरेडी मैरिड? आई हैड टू चिल्ड्रन। अच्छा अभी आपके दो हैं तीन बच्चे? मेरे दो बच्चे, बड़ा वाला 23 साल का माशाल्लाह, बहुत अच्छी चीजें कुछ खाई है आपने भाई, वो 52 की मैं हूँ। अरे भाई क्या बता रही है, मैंने ये थोड़ी पूछा है, शुरू से बता रही है, इतनी हेल्दी लाइफ, इतनी हेल्दी चीजें खाना, इनका बहुत असर होता है। और निदा नॉट ओनली इन चीजों का, हम सुपरफिशियली जो चीजें लगाते हैं वो तभी आप पे काम करती हैं जब आपका इंटरनली आपका जो है वो सिस्टम सही चल रहा है, आपकी पॉजिटिव सोच है आपकी, वो कहते हैं ना गर्द चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे, तो हम अपने अंदर का सिस्टम और ये चीजें भूल जाते हैं कि हम स्ट्रेस लेते हैं, हम नींद पूरी नहीं करते हैं, हम क्या कुछ नहीं कर रहे होते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्शन डल क्यों हो रहा है। अच्छा आप कितने बजे आप सोती रात को, कितने बजे? मैं तो रात 9 बजे के बाद है ना ऑनेस्टली मेरी बैटरी डाउन होने लगती है, और मैं आइडियली आप 5 बजे उठती हैं तो आप रात को कितने बजे सोती? 9:30 लेटेस्ट 10 पुश करके। हाँ क्या करते हैं बच्चे?
बेटा मेरा म्यूजिक करके आया है, अच्छा। पढ़ के आया अमेरिका से, अमेरिका से पढ़ हाँ, म्यूजिक टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक टेक्नोलॉजी यही परसू करना चाहता है। अच्छा। और बेटी जो है लिखती बहुत अच्छा है हमारे ख्याल से, और हाँ। आर्ट करती है, विजुअल आर्ट। तो वो उसने कहाँ पढ़ा है? अब जा रही है इंशाल्लाह, अभी अगस्त में जाएगी अमेरिका पढ़ने, वहीं जा रही है जिस कॉलेज में मैं पढ़ने गई थी। जबरदस्त, ये कितनी मजे की चीज होती है जब बच्चे यहाँ पहुँच जाते हैं। ऑन देयर ओन, आप देखें कि क्या करेंगे। अच्छा, मेरे दिमाग में ये था आपके तीन बच्चे। नहीं, मुझे किसी ने ये बताया कि अच्छा देखो तीन बच्चों की तो अम्मा लगती भी नहीं है ये, लेकिन दो की लगती है। नहीं मतलब लाइक इन द सेंस कि मुझे नहीं पता था कि यू वर मैरिड, और फिर होता है ना जब कोई पसंद आता है तो आप उसके बारे में जानते हैं, टो लेते हैं, तो मुझे आपके इंटरव्यूज मिलते ही नहीं थे फिर उस वक्त। हाँ, नहीं वैसे भी अपने मैं चाहती थी कि बच्चों पे ये इम्पैक्ट ना आए, हाँ। तो उनका मैं ज्यादा जिक्र भी नहीं करती थी, उनकी पिक्चर्स भी नहीं मुझे कहीं नहीं कहीं भी डालती थी कुछ, हाँ। भी नहीं, ताकि उनकी जिंदगियां जितनी नॉर्मल रह सके वो रहे। जैसे काम के साथ बच्चों पे कैसे आपने तवज्जो दी, दोनों से ये सवाल है, काम के साथ कैसे दोनों को मैनेज कर, खवातीन देख रही होती ना सुबह, सो उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आइडिया तो मिलता है, सब काम करना चाहती हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा तो यही कि आपको घर पे सपोर्ट हो, कोई आपकी फैमिली में इतना हो कि अगर आप नहीं हैं तो कोई और उनका ख्याल रखने वाले, जैसे अगर आप नहीं होती थी तो कौन होता था? मैं अक्सर तो अपनी अम्मा के छोड़ देती थी बच्चों को, नानी नानी, हालांकि नानी भी वर्किंग मदर है, नहीं अभी तक काम करती हैं। वो क्या करती हैं? वो औरतों की डेवलपमेंट का और उनकी एनवायरनमेंट और औरतों के इश्यूज के ऊपर करती हैं। अच्छा। गवर्नमेंट में भी काफ़ी देर रही, वो नेशनल कमीशन फॉर द स्टेटस ऑफ वुमेन हेड करती रही इस्लामाबाद में। ओके। तो अभी भी वही रिसर्च वगैरह का काम करती। तो वो बच्चों की तरबियत में नानी का एक बहुत बड़ा नानी नाना दोनों से तो हाँ। बहुत क्लोज है बच्चे, हाँ। और बहुत उनसे है इंटरेक्शन, मतलब वो आप समझ लें सेकंड पेरेंट्स ही हैं उनके। So, तो आपको आपके करियर में सपोर्ट अम्मा अब्बा की तरफ से बहुत ज्यादा, हाँ। और अगर मैं गजल आपकी बात करूँ, आप तो मैंने सुना था कि बच्चे को जल्दी भेजा जा रहा था बाहर, जो आपके मियाँ PhD हैं तो जाहिर है वो अपने औलाद में भी वही देखते होंगे कि मैंने भी अपने बच्चे को इतना पढ़ाना है। नहीं, एक ये नहीं कि पढ़ाना है, लेकिन एक आपके स्टैंडर्ड्स जो है ना वो बच्चे महसूस कर जाते हैं, हाँ। अगर किसी भी ऐसी फैमिली में वो बच्चा पैदा होता है, हाँ। तो जैसे आर्ट्स आगे पीछे अगर आपके आर्ट्स होगा, हाँ। तो म्यूजिक होगा तो वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, बिल्कुल। तो वो उन चीज़ों को किताबों से शौक रखना, मेरे बेटे को भी उन सारी चीज़ें वो खुद ही अंदर आ जाती हैं, हाँ। मैं जैसे आप पूछ रहे थे कि बच्चों की तरबियत को कैसे आपने बैलेंस किया, हाँ। एक तो ये बहुत बड़ा पार्ट ये होता है कि बच्चों को टाइम देना है, बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा मैं ये समझती हूँ कि अगर आपने, क्योंकि बच्चे हमारे वर्ड से नहीं सीखते हैं, हमारे एक्शंस को वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं चीज़ों को, अगर हम खुद इंडिपेंडेंट हैं, हमने अपना काम खुद कर लिया, तो बच्चे ये छोटी छोटी चीज़ें अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, वो फिर आपके ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, हाँ। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जो घर में जो चीज़ें हो रही हैं वो ही उनके अंदर जा रही होती हैं, हाँ। तो ये बहुत आसानियाँ हो जाती हैं पेरेंट्स के लिए अगर हम बच्चों की तरबियत के हवाले से बात करते हैं। खैर, पेरेंटिंग तो मुझे भी नहीं आती सही तरह से, लेकिन ये है कि जितना हम समझते हैं अपनी अकल समझ के साथ कि सिर्फ बोलना काफी नहीं होता है बच्चों को सिखाना, प्रैक्टिकली करके दिखा। अच्छा, मैंने ये सुना है कि लाइक आप अगर जब हम आपकी रिसर्च कर रहे थे तो मुझे ये मतलब रिसर्च पे पता चला कि बहुत यंग एज में आपके बेटे को आपके हस्बैंड कनाडा पढ़ने भेज रहे थे, तो आपने कहा हाय मैं अपने बच्चे को हाय मेरा जिगर का टुकड़ा कैसे अकेले भेजूं, वो वाली चीज का उनकी जो ना उनकी परसेप्शन बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि मैं तो माँ हूँ ना, और एक सिंगल चाइल्ड, हाँ, ज्यादा अटैच बच्चों के एक साथ, एक बच्चा। मुझे याद है जब उसको फर्स्ट टाइम उसने हॉर्स राइडिंग के क्लास के लिए भेजा, तो उसी वक्त मेरे सामने उस घोड़े से एक बच्ची गिरी थी, हाँ, वो जख्मी हुई थी, हाँ, और वो उस दिन मेरे बेटे की पहली क्लास थी, तो मेरा तो हाथ पैर फूल रहे थे ना उसको देख के, मैंने कहा मैं नहीं जाने दूंगी उसको। तो ये चीजें हैं, और वो थोड़ा सा क्योंकि मे बी औरतें ज्यादा इमोशनली ज्यादा अटैच होती हैं, आई डोंट नो, तो मैं उस लिहाज से मेरे हस्बैंड की अपनी एक थिंकिंग है कि बच्चे को थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, हाँ। मजबूत होना चाहिए, बचपन से इंडिपेंडेंट होना चाहिए बच्चे को, हाँ। क्योंकि वैसे भी हमें सारी जिंदगी तो रहना नहीं है उनके साथ, उन्होंने अपनी जिंदगी खुद ही गुजारनी। तो आप इसलिए कनाडा, उसकी एजुकेशन की वजह से? आप इस वजह से, मैं नहीं चाह रही थी कोई छोटी सी एज से बाहर जाए, हालांकि मेरे बड़े भाई माशाल्लाह से कनाडा में थे ऑलरेडी, और मैं जब गई तो बड़ी उनकी मुझे सपोर्ट रही, लेकिन उसके बावजूद भी
छोटा बच्चा पता नहीं किसी गलत ट्रैक पे चला जाए, कुछ उसको सही गाइडेंस की जरूरत होती है, तो फिर मैं उस... आपने मिस नहीं किया एक्टिंग को यार, इतने साल जो एक्टिंग करते हैं, मुझे लगता है ये तो दिल से होती है ना चीज़, और मोहब्बत और प्यार हो जाता है आपको इस प्रोफेशन से। I don't know, पर मैं ओल्ड फैशन थोड़ी सी आप कह लें कुछ, आई एम वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। मैं जब पहले एक्टिंग करती थी, जब बेटा हुआ उसके बाद मैंने पूरा अपना प्रोफेशन ही चेंज थोड़ा सा कर दिया। मैं वॉइस ओवर्स करने लगी, उसमें बिजी हो गई, मैं मॉर्निंग शो करने लगी ताकि मैं पूरा टाइम अपने बच्चे को दे सकूं। एग्जैक्टली, तो ये चीजें हुई। और वैसे भी इतना ज्यादा क्रेज नहीं रहा है मुझे कभी भी एक्टिंग या मीडिया इन चीजों का। मैं करती थी, शौक था, एक फैंस प्यार करते थे, देखने वाले अगर चाहते थे तो बंदा वो काम करता है। लेकिन कनाडा में भी मैंने ऑन एंड ऑफ काम करती रही, वहाँ पे कुछ लोकल चैनल्स थे उनके साथ काम किया, कुछ कैनेडियन चैनल्स के साथ कैमरा वर्क किया, एडिटिंग की, बहुत सारी इस तरह की चीजें भी की। कैमरा वर्क, एडिटिंग, ये तो बड़ा मजा है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है नई नई चीजें सीखना, अगर आपको मौका मिलता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अच्छा, आप कभी टेक्निकल साइड पे गई हैं पीछे एक्टिंग के अलावा, लाइक कैमरा वर्क या ये सारी चीजें, इसमें आपको शौक रहा है कभी? बिल्कुल भी नहीं, कभी थिएटर की डायरेक्शन की है। अच्छा, लेकिन टेक्निकल साइड पे तो मुझे लगता है ये मेरे बस की बात ही नहीं। ओहो ओहो, एक होता है ना हर किसी का एक फ्यूचर प्लान होता है, हर इंसान ये सोचता है कि भाई आगे ये होना है, आगे ये होना है। आपका यही बागवानी और फार्म हाउस ये है आपका? मेरा तो अल्टीमेट यही है, अगर मेरा बस चले तो मैं एक्टिंग शायद ना ही करूं और सिर्फ उसके ऊपर ही रहूं, फार्म के ऊपर, क्योंकि वो ही एक इतना हेक्टिक किस्म का हो जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग। मजा आता है आपको बहुत, कोई चीज ग्रो कर जाती है या जमीन जरखेज हो जाती है। और अब क्योंकि मैं कर रही हूँ पिछले 30 साल हो गए तकरीबन, तो वो अब जो डिफरेंस मुझे नज़र आता है, जहाँ बिल्कुल बंजर था वहाँ तकरीबन एक फॉरेस्ट खड़ा हुआ है, तो वो जाहिर है उसके साथ जो आपका कनेक्शन होता है वैसे ही है मेरे ख्याल से जैसे अपनी औलाद के साथ होता है। सो क्या आप उसमें आप ग्रो करती हैं ऑर्गेनिक, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो उसमें क्या फ़ायदा है आपको? मैंने जब ऑर्गेनिक एक्चुअली जब बेचने की कोशिश की, उस वक्त किसी को पता ही नहीं था ऑर्गेनिक होता क्या। मुझसे लोग पूछे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या मतलब, फिर मैं उनको समझ नहीं, बगैर खादों के देसी तरीके से, तो वो एक उस वक्त शायद वो टाइम नहीं था उसका। उस वक्त मैंने कोशिश की, बेचा, एक कंपनी भी सेटअप की, वो फिर मैंने छोड़ भी दी, और उसी वक्त ज्यादा एक्टिंग भी की कि उसमें इन्वेस्ट करना है, इसमें बीच में गायब होती थी, फिर एक चंक आता था, अरे इनके ड्रामे इस चैनल पे भी आ रहे हैं, इस पे भी आ रहे हैं, अच्छा वाह। लेकिन मुझे लगता है कि आप जो काम कर रहे हो ना, वो तो एक नेचर तो मिरेकल है ना भाई। नेचर के अंदर तो हर बीमारी का इलाज मौजूद है, अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किया। लेकिन उसके अलावा आपने कैसे, ये शौक की बात है यार, शौक की, कितना पेशेंस। मेरी अम्मी को ये था क्रेज, मेरी अम्मी को, मेरे अब्बू कहते थे हम भी खड़े होंगे तो हमारे ऊपर बेले लिपटेंगे। मेरी अम्मी को इतना गार्डनिंग का क्रेज था, थकी हारी पीटीवी से आती थी एडिटिंग रिकॉर्डिंग करा के और लगी होती थी खाद और उसमें पौधे लगा रही है, पान लगा रही है, केले का दर। लेकिन ये शौक अलग चीज है, बिजनेस माइंडेड होना अलग चीज है। वो नहीं हूं मैं, वो नहीं, मेरे ख्याल से वो मिसिंग है, इस वजह से आपने छोड़ दिया। वो मुझसे चला ही नहीं, मैं जितनी देर करती कर रही ऐसा कुछ नहीं, अब बस इसीलिए तो फिर एक्टिंग कर लेती हूँ। ओके, उससे पहले पैसे कमाने के लिए एक्टिंग है और जो जिंदगी जीने के लिए है वो फार्मिंग है। बिल्कुल यही हिसाब है। आप हैं बिजनेस माइंडेड, वो होता ना पैसे कमाने का शौक, अच्छा नहीं अच्छा है जरा प्रॉपर्टी बनाएं ये वो, आप बिजनेस माइंडेड हैं और नहीं? बिल्कुल नहीं है आपको लगता है ऐसा? हाँ नहीं लगता तो नहीं, छोड़ के सब छोड़ छाड़ के चली जाना वहां जाके स्कूल में पढ़ाना सेलेब्रिटी जो स्टेटस है वो छोड़ के। लेकिन मुझे बड़ा मजा आया, मैंने जो वो जिंदगी के 6 साल बच्चों के साथ गुजारे ना, टीचिंग की बड़ी वैल्यू है बाहर। हम यहाँ वाली टीचरों को क्यों देख रहे हैं बेचारी, वो लोग वहाँ पे वाकई में बहुत रिस्पेक्ट पेरेंट्स, मतलब अपने बच्चे छोड़ के जाते हैं। सैलरी के हाथों में टीचर्स की, भाई ऐसी बात नहीं है। आजकल मैं भी वैसे टीचिंग कर रही हूँ, काफी छोटे बच्चों की, क्लास 2 से 6 तक। अरे भाई अच्छा, क्या सिखाती हैं? एक्टिंग? हाँ, मतलब स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स, उसमें सारे जो थिएटर के वो हो जाते हैं ना, बॉडी को, वॉइस को किस तरह इस्तेमाल करना, वो चीज़ें। इतना पेशेंस आप लोगों में कैसे, बच्चों को? इनका तो देखिए ये तो नेचर से करीब है, ये तो नेचर तो आपको सिखाता ही पेशेंस है। एक आपने बंजर जमीन से आपने दरख्त निकालना है, वो कितना टाइम लगता है, उसको कितनी केयर की जरूरत होती है,
इनको तो आप छोटे बच्चों को पढ़ाती थी? हाँ, मेरे पास भी 3 years to 6 years. सुने, वहाँ तो चुटकी मारने की भी इजाजत नहीं है, पेड़ लगाने की इजाजत नहीं है. यहाँ तो थोड़ा सा कुछ कर लो. यहाँ भी नहीं है वैसे. जरूरत भी नहीं पड़ती. बच्चे अगर इंटरेस्टेड हों तो वो इतनी इंथुजियाज्म से आते हैं. अगर कभी कोई टीचर कह दे कि जरा 10 मिनट पहले गवर्नमेंट स्कूलों में तो कुल्फियां भी खा जाती है टीचर, आपको नहीं पता. बहुत सारे बच्चे हमारी ये हमारी कुल्फी खा गई सब लंच बॉक्स में से निकाल. लकी थोड़ी आप जैसे टीचर्स मिले उनको. खैर, मेरा सब्जेक्ट भी इस तरह का. लेकिन सही कह रही है कि ऐसे ऐसे केसेस हम सुनते हैं कि बड़ा अफसोस होता है. अच्छा, लेकिन क्योंकि आप इतने अरसे बाद कनाडा से आए तो मैं बताती चलूं, यहाँ पे भी अब स्कूल वाला सिस्टम जो है बहुत बेहतर हो गया है और टीचर्स की सैलरीज भी अच्छी हो गई कुछ स्कूलों में. ये मैं अपने जमाने की बात कर रही थी. जब मैट्रिक किया तो उस छुट्टियों में जो है वो आपको टीचर की जॉब मिल गई. वो वाला जमाना और था. लेकिन अब जो है अगर मैं देखूं तो एजुकेशन काफी बेहतर हो गई है हमारे बच्चे. वैसे मैं मजे की बात बताऊं, मैं सबसे पहले जो मैंने जॉब की थी ना वो टीचिंग ही की थी पाकिस्तान में. जैसा हमने बताया कि फर्स्ट ईयर इंटर के बाद छुट्टियां हुई, कुछ हुआ, मैंने भी 6 महीने पढ़ाया है. चौकिया पढ़ाना, चौकिया. लेकिन उस वक्त बाकी में कुछ नहीं करना है तो चलो टीचिंग कर ले, ये होता था हमारे पास. लेकिन अब काफी चेंज हो गया. अच्छा, अब जैसे होता है ना कि आप कनाडा में थी तो यहाँ से कनेक्शन आपने बड़ी अच्छी बनाई अपने यूट्यूब चैनल के जरिए. सो वो ये आइडिया कैसे आया? क्योंकि जब आपने यूट्यूब चैनल बनाया था उसका कितना ट्रेंड यहाँ नहीं था यूट्यूब चैनल का. कितना अरसा हो गया बनाया? मुझे मैंने 2019 में किया था और इसके पीछे एक बहुत मजे का वाकया है. सुना अगर आपको, उस वक्त 2018 में हमारी जो मॉन्टेसरी थी उसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो रही थी. अच्छा, वो होता है ना एक सारा एक डिफरेंट उन हाथों में जा रहा था. तो क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल था तो मैंने फिर सोचा कि यार ये पूरा एकदम से चेंज हो रहा है, पता नहीं बहुत सारी टीचर्स जो हैं वो उन्होंने छोड़ दिया कुछ. तो मैंने भी ये सोचा कि मैं छोड़कर और मैं टोरंटो फिल्म स्कूल में एडमिशन लेती हूँ, थोड़ा सा फिल्म मेकिंग का कुछ करती हूँ. उन्हीं दिनों में जो है वो हुआ, हम अवार्ड्स हुए. अच्छा, तो मैंने अपनी जॉब क्विट की और हम अवार्ड्स में मैं गई. उसमें मेरा बेटा मेरे साथ गया था. अच्छा, उसने जो देखा कि वहाँ पर इतने सारे कोई 18,000 कनेडियन पाकिस्तानी कनेडियंस मौजूद थे वहाँ पर, उन्होंने जब मुझे स्टेज पर बुलाया गया तो उन्होंने बड़ा एक वार्म वेलकम किया. एग्जैक्टली, तो मेरे बेटे ने कहा कि आपको इतने सारे लोग जानते हैं क्या? मैंने कहा तुम हल्का लेते हो बेटा, छोटा सा था. नहीं मतलब इतने टाइम के बाद तो मैं भी भूल गई थी कि शायद मुझे लोग पहचानेंगे इतने टाइम के बाद. तो लेकिन उन्होंने इतना जो वार्म वेलकम दिया मुझे, तो मेरे बेटे ने जब ये देखा तो उसने मुझे कहा कि मामा फिर आपका तो ये प्रोफेशन ही नहीं है जो आप कर रही थी, तो आप तो वापस आए मीडिया में. लेकिन ऑनेस्टली कनाडा में बहुत सारे चैनल्स ऐसे नहीं है हमारे, उर्दू चैनल्स जिन पर आप काम कर सकें. बिल्कुल, इतना स्ट्रॉन्ग मीडिया नहीं है. बेटा, बेटे के कहने पे आपने यूट्यूब चैनल. मेरे बेटे ने कहा कि आप क्यों नहीं कनेक्ट होती. मैं क्या, मैंने कहा कैसे कनेक्ट हूँ. तो बेटे ने आपका ये ड्रामा देखा अभी? अभी देखा. क्या कहने लगा? उसे तो पहली दफा प्रॉपर्ली आपका एक्टिंग करते हुए देखा होगा ना, वो तो तब छोटा होगा जब. या दिखाया आपने उसको मारवी? मैंने दिखा नहीं, वो मारवी तो उसको मेरा नहीं ख्याल इतना उस वक्त इतनी अकल थी कि मेरी माँ. तो अभी क्या क्या उसके क्या कमेंट्स थे आपके लिए? अच्छा, अब वो पता है, अब उसका क्योंकि पढ़ के उसका थोड़ा सा आइडियाज इस तरह से हो गए हैं कि आप वो काम करें जो आपका दिल चाहे या वो काम करें जो आपके करियर के लिए बेहतर हो. बेहतर, तो अब वो उस तरह से गाइड करते. बच्चों के दिमाग अलग होते हैं. आप लोग कभी एक साथ फैमिली कहीं होटलिंग या कहीं शॉपिंग पे जाते हैं तो जाहिर है आपको तो घसीटती होंगी. और हमारी अहम भी खवातीन ऐसे पपियाँ भी कर देती हैं, हाथ भी पकड़ लेती हैं, मोहब्बत अपना इजहार करती हैं वो. सो मतलब बच्चों को अंदाजा है कि अम्मा की क्या वैल्यू है? थोड़ा बहुत. मतलब इतना मैं खास अक्सर मुझे नहीं भी पहचानते लोग. ऐसा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है बगैर मेकअप के? तो आप टीवी पे आ जाती हैं, कोई फर्क नहीं है ऐसे देखने में और टीवी पे देखने में. बट इतना नहीं ज्यादा, खैर मैं जाती भी नहीं हूँ बहुत ज्यादा इधर. अच्छा, उधर. और बच्चों को पता है कि बच्चों को कुछ पता है ना हमारी अम्मा मशहूर हैं. हाँ, पता तो है. और मैंने सुना कि आपके बच्चों से आपका काफी ओपन रिलेशनशिप है, आपस में बड़ी एक सारे वो अडल्ट्स की तरह बातें. बिल्कुल, बचपन हर तरह के बहुत ज्यादा. और अपनी सारी चीजें वो रिलेशनशिप इश्यूज और जो भी उनके इश्यूज चल रहे हैं, जो भी सोच आ रही है वो करते हैं वो डिस्कस. उससे उसकी वजह से मेरे ख्याल से बहुत सारी कन्फ्यूजन भी उनकी कम हुई है. जाहिर हुई है, गलत डिसीजंस भी लिए हैं, लेकिन कुछ उनको मुझे लगता है कुछ उनको खुद अपनी मिस्टेक्स भी करने की स्पेस होनी चाहिए. हम सब कुछ तो नहीं हाथ पकड़ पकड़. कैसी मदर हैं आप? वो थानेदारनी वाली मदर हैं, दोस्त हैं, दोस्त क्राइम
पार्टनर क्या पार्टनर वो वाली भी तो होती है ना अम्माएं. अभी तक कोई क्राइम तो नहीं किया. दोस्ती बहुत ज्यादा है दोनों. हाँ. बच्चे शुक्र है कहते हैं आप हमारी बेस्ट फ्रेंड है. अच्छा तो वही मुझे लगता और है. अब्बा का कैसा रिलेशन है? एक्चुअली मेरे बच्चे जो है फ्रॉम एन अर्लियर मैरिज और रहती मैं अपने हस्बैंड के साथ. बच्चे भी मेरे साथ ही रहते हैं तो सब ठीक ठाक. अच्छा अच्छा. जब सॉरी है मुझे ये पता नहीं था तो. अच्छा आपके बेटे का कैसा रिलेशन है आपके मियाँ से? वो थोड़े सख्त टाइप के हैं? मेरी मियाँ डिसिप्लिन डिसिप्लिन हम दोनों हैं. हाँ फर्म हम दोनों हैं. हाँ. लेकिन हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. अच्छा. हम मतलब ऐसे हैं कि हमारा बेटा जो है वो समटाइम्स मैं कहती हूँ तुम तो मेरे दादा की तरह मुझे डांट रहे हो कि ये ना करो मामा ये ना करो आपने यहाँ ये क्यों किया. तो वो रिलेशनशिप है हमारा. हाँ. अगर मैं गलती पे होती हूँ तो वो मुझे कहता है जाओ पापा से सॉरी करो. अगर पापा गलती पे हैं मतलब समटाइम्स होता है ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है. हम दोनों समझ रहे हैं दोनों ठीक हैं तो फिर वो काफी अच्छा रोल प्ले करता है उसमें. और काफी मतलब मैंने तो बहुत सीखा है अपने बेटे से. आजकल के बच्चों बहुत अवेयरनेस है. हम उन्हें हल्का नहीं ले सकते. हम उन्हें ये जुमला नहीं कह सकते जो हमारी अम्मियाँ कहती थी तुम्हें क्या पता तुम मतलब हमने धूम पे बाल नहीं सफेद किया और वो इस तरह का जुमले. लेकिन हमारे बच्चों को बहुत कुछ पता और उसको हमने बचपन से छोटी छोटी डिसीशंस लेना लेने की मतलब कि प्रॉपर उसको एक वे दिया है कि छोटे छोटे डिसीजंस तुम लो. हाँ. हमारी फैमिली का कोई भी डिसीजन हो बड़े से बड़ा. हाँ. हम उसको बिठाते हैं एज अ फैमिली और फिर हम तीनों मिलके वो डिसीजन लेते हैं. हाँ. ऐसे नहीं कि मैं कोई डिसीजन मैंने कर लिया मेरे हस्बैंड ने कर लिया उसको पता ही ना हो. हाँ. बिल्कुल कनेक्टेड एक होता है फ्रेंड्स की तरह रहते हैं. तो आपकी तरफ से भी बच्चों को फुल आजादी है भाई. बिल्कुल जाके गोरी पसंद कर ले अगर वो पढ़ने गोरी तो काली जो मर्जी उनका दिल करे गोरी अंदर से आके चाहे ना भी करे तो भी खैर है. बहू ना भी करे खैर जरूरी थोड़ी की शादी करे और क्या मतलब चिल है अपनी जिंदगी जियो जैसे जी उनकी है. हमने तो थोड़ी देर उनको पाला ही है बस बाकी तो उनकी है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो आपकी तरफ से भी कोई वो है? नहीं. जैसे आपके घर में थी ना हल्की सी तो पाबंदियाँ थी. देखिए तो मैं वाली जिस घर में पैदा हुई इतने सारे माशाल्लाह से 9 भाई बहनों में पैदा. हाँ. हुई सबसे छोटी. वो दौर अब का दौर बहुत डिफरेंट है. वो तो उसकी आधी से ज़्यादा तरबियत वहाँ पर हुई. हाँ. है तो वैसे भी मेरे हस्बैंड की बड़ा हमारे सुने क्या इक्वालिटी होती है. खुद के बहन भाई ज्यादा थे तो इसलिए आपने कहा नहीं बस एक बच्चा बच्चा एक ही अच्छा. के बाद मेरे हस्बैंड के भी 9 भाई बहन है मेरे भी 9 भाई बहन. ये क्या ये आप लोगों ने कहा कि नहीं हमारे यहाँ कम होंगे क्योंकि दोनों क्यों ये मतलब ये एक अक्सर मैंने देखा है कि जिसके होते ना नहीं हमारे खानदान में तो 6 का रिवाज है ये वाली बातें सुनने को आ रही होती है. सो यहाँ क्या ये सीन हुआ बस ये पता नहीं चला कैसे हुआ. तो आपके बेटे नहीं बच्चे ही होते ना कि मैं अकेला बोर हो रहा हूँ. बच्चे होते हैं जो उकसाते हैं माँ बाप को. नहीं उसको ये नहीं होता था. उसको हर वक्त वो अपने फ्रेंड्स के बीच में रहता था. अच्छा, कजन सबसे बड़ी निटेड फैमिली है हमारी. अच्छा. हाँ निटेड इन अ सेंस कि इंडिपेंडेंट भी हैं. हाँ. लेकिन मेरे बेटे को पता है कि उसके एक्सटेंडेड कजन्स कौन से हैं. हाँ. उसकी फैमिली में कौन कौन है सबसे. हाँ. ग्रुप्स जो बने हुए होते हैं ना. हाँ. तो व्हाट्सएप थैंक्स टू व्हाट्सएप तो वो मैसेजिंग करना उसको विश करना रख रखाव वाला है. रख रखाव नहीं बड़ी ओपन फैमिली है हमारी. नहीं इन द सेंस कि लाइक वो सबसे सलाम दुआ रखना लेकिन सबसे कनेक्टेड कनेक्टेड मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वैसे आप दोनों फ्री टाइम जो होता है ना आपकी जिंदगी का जैसे अब ये तो काम हो रहा है फार्मिंग है या आप अगर एक्टिंग कर रही है आपके लिए हॉबी या मी टाइम जो है वो क्या है दोनों के लिए? मैं तो पढ़ती बहुत हूँ. अच्छा रीडिंग बहुत ज्यादा. हाँ. मतलब अगर कोई फारिग वक्त होगा थोड़ी एम्ब्रॉयडरी. हाँ. भी करती हूँ उसमें. नहीं कहें भाई. अरे वाह कौन सी एम्ब्रॉयडरी? क्रॉस स्टिच या निटिंग? नहीं क्रॉस स्टिच भी और दूसरी भी दूसरे स्टिचेस वाली भी जो एम्ब्रॉयडरीज होती है ना सैटन स्टिच वगैरह दूसरे जो होते हैं. अच्छा वो अपनी शौक के लिए. कोई आपके पास पिक्चर है मोबाइल में जो बनाई हुई थी? कोई ऐसी नहीं है कि दुनिया में. अल्लाह थोड़ी सी तो दिखाए. छोटे से ब्रेक के बाद मैं निकलवा के रखती हूँ. क्या पता कोई रुमाल काट के रखा हो. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज गजल सिद्दीक और समिया मुमताज से आपकी हमारे शो पे मुलाकात हो रही है और बड़ी ऐसी बातें हो रही है जो मैंने तो इनसे कभी भी नहीं की और वैसे की होंगी आप लोगों ने कहीं ना कहीं लेकिन मेरे साथ पहली दफा हो रही है. सो मुझे बड़ा फर्स्ट हैंड नॉलेज लग रही है ये वाली सारी. वैसे तुम पहली होस्ट हो जिसने मेरा नाम सही लिया है. नॉट पहली लेकिन बहुत कम लोग. क्यों को क्या लेते थे? सिद्दीकी बोलते हैं ना. नहीं मैं क्यों बोलूँगी गजल सिद्दीक. हाँ, सिद्दीक सिद्दीक. अच्छा आपसे सवाल किया था मैंने आपने जवाब दे दिया था. क्या था मैं तो भूल ही गई करके. वो हॉबीज का. हाँ, हाँ फ्री टाइम गजल बताने वाली कढ़ाई और निटिंग. गजल क्या करती है ये मुझे जरा
जनरल कह रही है तुम सुन के हंसोगी। मैंने कहा मैं गाने गाती हूँ। वाह, तो फिर अब हो जाए। मैं क्यों हंसूं? मैं तो सुनूंगी। मैं इसलिए गाने गाती हूँ कि मुझे तो लगता है कि मेरी थेरेपी है, और मैं एक जरूर एक बात भी इससे एसोसिएटेड है मैं बताऊंगी। हाँ। जब मैं कनाडा में थी तो मेरी मदर वहाँ पर आई थी, मेरे बड़े भाई कनाडा में हैं, मैं हूँ, तो हम मेरे बड़े भाई और मैं हम आखिर के दो बच्चे हैं जिनसे मेरी माँ बहुत ज़्यादा अटैच थी। तो उन्होंने कहा कि मैं जा रही हूँ उनके पास थोड़ा टाइम गुजारने के लिए, उनकी एज भी काफ़ी हो गई थी। तो जब वो वहाँ पर आई तो उनकी डेथ हो गई, 4 महीने हमारे साथ गुजारा उन्होंने, उनकी डेथ हो गई। अच्छा, उस दौरान मेरे हस्बैंड जो है वो पाकिस्तान में आए थे कोई 1.5-2 साल के लिए, वो यहाँ पर कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो मैं अकेली थी बिल्कुल, बेटा मेरा जो है वो अपनी सारी स्टडीज़ में बिजी होता था। निदा, यू वॉन्ट बिलीव इट, वो जो म्यूज़िक है ना उसने मुझे डिप्रेशन में जाने नहीं दिया, क्योंकि मैं अपनी अम्मी को, मेरी वो मदर जिसको मैंने अपने हाथों से गुसल दिया वहाँ, उनकी तदफीन सारी मैंने और मेरे भाई ने की, मतलब हम दोनों ही थे, इतना कुछ देखने के बाद एक घर में अकेली मैं बार बार, मुझे वो फ्लैशेस आते थे मेरी अम्मी के, मैं उनके साथ बैठी हूँ, क्योंकि मैं जब स्कूल में जॉब करती थी तो मैं बीच में टाइम नहीं मिलता था, तो मैं लंच अपना लेके अम्मी के पास आ जाती थी कि अम्मी के साथ लंच करूँगी, वही टाइम मेरा उसमें हो जाएगा कि मैं गुजारूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत बॉदर करती थी, और फिर मैंने ये सोचा कि मैं क्या करूँ, मैंने करियोके की एक मशीन ली और वहाँ पर मैं गाने गाती थी अकेली पागलों की तरह, इसके कोई भी नहीं होता था, और मुझे लगता था मेरी अम्मी मेरे सामने बैठी हैं, वो बड़ा अप्रिशिएट करेंगी, क्योंकि उनको भी म्यूज़िक और उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मेरी अम्मी और अबू दोनों को, पूरी फैमिली को हमारी। तो इस तरह से मैं, तो मुझे लगा कि मैं अगर ये ना करूं तो मुझे लग शायद मैं डिप्रेशन में चली जाऊं। तो यार आपकी अब आदत बन गई कैरियोके करना। आदत नहीं बनी है, उसके बाद जो है वो बीमारी थी एक गाने की सबकी, जो वो मेरे फिर भाई को भी लगी, मेरी भाभी को भी लगी मुझे। लेकिन अब आप सुनाइए भी ना, आपका नाम भी गजल है तो और क्या और क्या। लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा कि आप मुझसे गाना सुन, नहीं तो क्या आवाज अच्छी है या शीशे विशे टूट जाते हैं क्या मतलब? नहीं, बारिशें बरसने लगती हैं। दीपक राज कनाडा में तो वैसे भी ना कागजी घर होते हैं। हाँ पता है ना, लकड़ियों के घर होते हैं पड़ोसियों का। तो जब मैं गाती थी तो मेरे पड़ोसी भाग जाते थे, नॉट ओनली बारिश बट पड़ोसी भी चले जाते थे। तो ये हिडन इनका टैलेंट है जो ये दिखाना नहीं चाह रहे। आपके अंदर भी कोई हिडन टैलेंट है जिस पर ख्याल नहीं आ रहा क्या होगा? आप डांस सीखती थी? मैं एक्चुअली तो प्रोफेशनल डांसर बनना चाहती थी। तो ये तो आपने मुझे बताया नहीं। बस इधर हमारे मेरे ख्याल से इतना उसके साथ नेगेटिव एसोसिएशन है कि मैं भी पहले नहीं इतना जिक्र करती थी, खासकर जब जरा कम उम्र थी, तो मुझे लगता था लोगों का आपकी तरफ रवैया बदल जाता है, उनको समझ शायद नहीं है कि क्लासिकल डांस जो है वो एक बहुत डिफरेंट चीज है। आपको पता है, लोगों को नहीं पता, मैंने भी 3 क्लासेस ली हुई है क्लासिकल। किसकी? भी क्लासिकल डांस कथक करती थी। किसी को भी नहीं पता, मैंने बताया भी नहीं। आज अब मैं अगर आपको कहूं कि आप थोड़ा सा दिखा दें, वो तो मैंने अपने भाई की शादी पर डांस किया तो लोग हैरान हो गए, अच्छा तुम्हें भी आता है डांस? मैंने कहा हाँ भाई, कथक मेरे लिए भी एक मेडिटेशन का काम करता था जब मैं क्लासेस लेती थी। एक आर्ट है, उसको आपको एक डिसिप्लिन के साथ सीखना होता है, ये नहीं कि खड़े होके बस थिरक लिए, उसका एक रिदम आपको समझनी होती है, उसकी रिदम की बांट समझनी होती है, बहुत चीजें उसमें है। मुझे ऐसा लगता है वो जिंदगी में आपको बहुत हेल्प आउट करता है हर चीज में। आपकी अगर आप एक्ट्रेस है तो एज बॉडी लैंग्वेज रिदम आपका पोस्चर, ये पोस्चर बहुत, तब भी आप समझ आए ये पोस्चर ऐसा क्यों है, ये कमर कभी टेढ़ी क्यों नहीं होती, ये हमेशा गर्दन ऐसी सीधी कैसे रहती है। अच्छा, तो वो टैलेंट है हिडन। तो अभी आप कभी होते हैं, कभी प्रैक्टिस करती हैं खुद अपने? मैं परफॉर्म भी करती हूँ। मैंने नहीं देखा, क्यों नहीं देखा हमने? बस इसीलिए ना, इसी तरह बस कहीं कर देते हैं। कहीं जैसे कोई इनवाइट करे, कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह फर्स्ट करे, लक्स स्टाइल अवार्ड्स वाले या कोई अवार्ड्स वाले कहें कि आपने अपना टैलेंट परफॉर्म करना है, तो आप एक्सेप्ट करेंगी इसको? अगर सीरियस डांस होगा तो जरूर, मतलब कथक प्रॉपर कथक जो कथक में नहीं करती, मैं भरतनाट्यम करती हूँ। अल्लाह, ये तो और भी मुश्किल है। हाँ, उसी के अंदर एक होता है जो कि एक्सप्रेशन डांस जो का जो हिस्सा है उसका, कि मूड आपने दिखाना है उसके हिसाब से। हाँ, वो करती हूँ। उसको तो आपके थिएटर में भी बहुत हेल्प मिली। बहुत, बहुत। हमारे थिएटर में थे वैसे भी बहुत म्यूजिक और डांस होता था, तो मूवमेंट तो थी ही वैसे। So, वो अगर आप फर्ज करें आपको ऑफर आए कोई ऐसी कमर्शियल तौर पर, तो आप उसे एक्सेप्ट करें? क्योंकि बहुत डिफरेंट होगा ना लोगों को, एक एक खातून जो आपको ड्रामों में रोती हुई नजर आती है, मजलूम औरत,
क्या आइडिया लॉन्च कर दिया ना मैंने, कर दे दिया आइडिया, बस जिसको सुनना है वो सुन ले और अप्लाई करे, क्योंकि अच्छा टैलेंट दिखना चाहिए ना ऑन स्क्रीन. अच्छा तो ये कुछ खत है, ये वो खत ऐसे हैं, ये खत पूरा नहीं पढ़ूंगी मैं, सिर्फ कहां से आए हैं ये खत, एक इंटीरियर सिंध से आए, सखर से आया है, ये गुजरांवाला से आए तो ये वाला जो खत है ना, ये कहां से आए, ये सखर से आए ये आपके लिए है सवालात, और ये सवालात सामिया के लिए. सही है, तो शुरुआत करते चले. पहला सवाल क्या है, मारवी ड्रामे से अब तक आप आपके लिए वक्त रुक गया है, जैसे लाइक एजलेस नजर आने की कोई टिप देना चाहेंगी आप? क्योंकि अभी जब मैं इनको मिली हूँ ऑफ स्क्रीन भी, तो मैंने कहा क्या गीदर सिंगी खाई है बहन, वैसी की वैसी हो. नहीं, और टोटके भी आप बड़ी बताती हैं, आप यूट्यूब चैनल मैंने देखा है. तो फिर तो आपको ये पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस पर तो मैं यही राग अलापती हूँ कि पॉजिटिविटी, हेल्दी लिविंग, मैं जो भी चीज़, मेरी कोई भी वीडियो आप देख लें उसमें जो भी चीज़ मैं बताती हूँ उसका जो एंड रिजल्ट या एंड मैसेज यही होता है कि उसमें आपने अपना मैजिक इंग्रेडिएंट ऐड करना है, एंड दैट इज़ योर पॉजिटिविटी, आपका एक एतमाद, क्योंकि ये तो प्रूवन है ना ये सारी चीजें. मैं तो नहीं कह रही हूँ, तो साइंटिफिकली उड़ती रहती है ना खवातीन, वो जलना कुड़ना खत्म करेंगी तो उससे फायदा. कोई भी चीज आप करें ना, उसको आप रियल सेंस में करें, यानी कि आपने नींद पूरी करें, आप अच्छा खाएं पिएं, आप अगर पूरा दिन जंक फूड खाएंगे, आपको अपनी नींद को उस पर हर वक्त आप सेल फोन्स पे और उनपे लगे रहेंगे तो जाहिर है आपकी बॉडी तो रिएक्ट करेगी. अच्छा चले ये तो बात हो गई, लेकिन कोई टोटका भी बताए ना इसके साथ, जैसे लाइक मैंने कोई देखा था आपने पता नहीं जीरा और सौंफ और वो मिला के कोई टी बनाई थी, एक हर्बल टीज जो इस तरह की, वो तो मैं बहुत आई एम अ फैन, मैं तो इन चीजों की बहुत ज्यादा. और आप रेगुलर, और स्पेशली मैं जब कोविड का जो टाइम था निदा, जब मैं कनाडा में थी कोविड में, तो हम लोग बिल्कुल लॉक हो गए थे ना, बंद हो गए थे, कहीं जा नहीं सकते थे. मुझे वो टाइम याद है जब मैं चार चार ग्लव्स पहन के और मैं जाती थी अपनी ग्रोसरी करने कभी, तो वो एक गाड़ी का दरवाजा खोला, एक ग्लव उतारा, उसके बाद फिर वो खोला, तो इस तरह का टाइम देखा है हमने. फिर वो ग्रॉसरी पूरी हमारी गैराज में पड़ी रहती थी 12 दिन तक, उसके बाद फिर हम उसको टच करते थे, सैनिटाइज करते थे. माय गॉड, बड़ा एक डिफिकल्ट फेज आया था वहाँ पे, तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस. तो हमारे घर यहाँ भी कम नहीं था, हमारे घर के बाहर ताले थे जब हम कोविड पेशेंट थे. अच्छा, शुरू शुरू के जमाने के लोग थे हम, तो हमारे तो ताले लगे हुए थे घर के बाहर, जंजीर लगा दी थी. तो उसमें मैंने जो नेचर को एक्सप्लोर किया, मैंने उन चीज़ों को एक्सप्लोर किया, और मैंने कहा मैं तो अब तक पागल थी कि मैं केमिकल्स और इतनी ब्रांडेड और इतनी महंगी चीज़ें और ये इन पर वो जो है वो कर रही थी रिलाय, ये तो नेचर तो मिरेकल है. सो मतलब लाइक नेचर वही वाली बात, फार्म वाली ना, तो ये तो ये वाली बात आ गई कि आपने फिर वो इस तरह अपनी अपने अपना ख्याल रखा. और आप कोई दुनिया की महंगी से महंगी, मैं सारे अपने प्यारे प्यारे ऑडियंस से भी बात करना चाहूँगी कि कुछ भी आप करें डेफिनेटली वो चीज़ें काउंट करती हैं, आपकी आपकी स्किन को वो ग्लो देती हैं या वॉट एवर, लेकिन जो अंदर से जो ग्लो आएगा ना वो आपका आएगा ही तब जब आप खुश रहेंगे. और अगर आप खुश रहना चाहें तो ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि दुनिया की कोई ताकत आपको खुश रहने से नहीं रोक सकती. आपको पुराने ज़माने में बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, रोती शक्ल ऐसी हो जाएगी, शक्ल जैसी शक्ल रखोगी वैसी हो जाएगी. कहते हैं ना अगर आप अच्छे लोगों में बैठे तो आपकी सोच बदल जाती है, आपकी बुरी कंपनी आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती है. बिल्कुल, बिल्कुल. आप देखिए नेगेटिव लोग हैं आपके ऑरा को खराब कर रहे हैं वो नेगेटिव, तो आप दूर हटें उनसे. आजकल बहुत लोग सोचते हैं ये कि आपने किसके साथ बैठना है किसके साथ नहीं बैठना, अब देखते हैं कि आपके लिए. सॉरी मैं आपके शो को बोर तो नहीं कर रही ना? नहीं 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 नहीं, आपको लगता है मैं होने दूंगी. अच्छा आप अगर नाराज हैं या फिर गुस्से में हैं तो आपके किस अंदाज से मालूम हो जाता है? मुझे तो लगता है आप नाराज और गुस्सा बोलती ही नहीं होंगी. मैं चुप हो जाती हूँ, बोलती नहीं है. जब बहुत ज्यादा किसी चीज बुरी लग रही हो तो मैं फर्स्ट रिएक्शन होता है चुप हो जाओ. ओके, कि वो खुद ही ठीक हो जाएगा, हो जाएगा. सेटिंग शूटिंग पे सेट्स पे कभी ऐसा हुआ है? मैं कह भी देती हूँ कि कोई चीज़ बुरी लग रही होती तो उसके बारे में पहले तो कोशिश यही होती है ना कि डिस्कशन हो जाए उसके ऊपर कि ये चीज़ यूँ नहीं. अक्सर तो इस चीज़ पे होता है कि आपसे उन्होंने कहा है कि 9 बजे पैकअप होगा और वो कह रहे हैं बस 15 मिनट और 20 मिनट और वो आहिस्ता आहिस्ता घड़ी जो है टिक 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 हो रही है उस पर मुझे होता है कि अच्छा नहीं ये टू मच हो गया. उस पर मैं फिर चली जाती हूँ.
और क्या करें, आदत भी तो है सुबह जल्दी उठने की रात को, सो वो एकदम नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है ना चीज, वो वाली चीज है। अच्छा भाई, पीटीवी के दौर में जब सेट पर काम करती थी और अब जब काम करती हैं तो आर्टिस्ट के रवैये में क्या फर्क नजर आता है? लगे कि तो बहुत बोरिंग क्वेश्चन है, खैर लेकिन अब छोड़ो। पहले आर्टिस्ट एक दूसरे से बात करते थे, अब वो चुप करके अपने सेलफोन पे लगे रहते हैं। बिगेस्ट जो चेंज नजर आता है ना अब उस दौर में और इस दौर में, वो यही है। तो उसकी रीजन है, पहले आप लोग स्टूडियोज में करते थे और बाहर बैठ के बात करने का टाइम होता था, यहाँ तो आप एक ही घर में होते हैं तो फिर कैसे बात करेंगे, वो चुप कराते रहते होंगे डायरेक्टर के। ये बहाना है। अच्छा, हमें एक्टिंग करते नहीं, हमें पता नहीं। सबको अलग कमरे चाहिए होते हैं। लेकिन अब तो अब एक्टिंग की क्या बात कर रही हैं, आप अपने घर में देख लेना, डाइनिंग टेबल पे जब आपके बैठते हैं, जब पता चलता है कि अब खाना हाथ से खाना पड़ेगा, तब हम सेलफोन को साइड पे रखते हैं। अदरवाइज तो हर कोई पांच पांच लोग बैठे होते हैं घर में, मतलब कितना गलत ये होता जा रहा है। सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल हमारा खत्म होता जा रहा है, बिल्कुल उस जो फिजिकल उस तरह की बातें, जैसे कल ही मैं बताऊं कि मेरे बड़े भाई जो हैं वो आए हुए हैं, भाभी और भाई, तो हम सब बहनें जो हैं वो अपने अपने घरों में दावतें और ये सारा सिलसिला शुरू, तो कल मेरी एक सिस्टर के घर दावत थी, तो हम लोगों ने सारी, हमारे यहाँ ये होता है कि दावत के बाद हम गेम्स करते हैं, बड़ा फन होता है। जैसे मेरे घर होता है तो सबको पता है गजल के घर तो म्यूजिक के बगैर नहीं होगा, तो मेरे घर में म्यूजिक होता है। अगर किसी और के घर जाते हैं तो वो मुहावरों वाली मतलब गेम्स, मॉर्निंग शो घर में चल रहा होता है ना। ये कहे ना, मेरे घर में भी ऐसा होता है वैसे। तो निदा, हम लोगों ने क्या किया कि खाना वाना खा के ना, वो मेरी बहन के बेडरूम में पलंग पे सब पालती पालती मार के ना, सारे भाई बहन और बैठ के और ग्रीन टी पी रहे हैं और वहाँ पे गेम्स खेल रहे हैं। तो हम इस इन चीजों पे बहुत वो करते हैं, फोकस करते हैं, ताकि हमारे बच्चे वो सीखें, उनको भी ये फ्लेवर वो लें। वैसे हमारे भी खानदान में ये है कि जब सब जमा होते हैं ना तो फोन्स पे नहीं रहते, उसके लिए इंटरैक्टिव चीज़ें बनानी पड़ती हैं। अब आपको बनानी पड़ती हैं, पहले ये हो जाती थी लेकिन अब आपको बनानी पड़ेगी आपको फ़ोन से हटाने के लिए। एंटरटेनमेंट चाहिए बच्चे बच्चे को, बच्चा भी बोर नहीं हो सकता। आपको देखिए, आप अगर उनको एक अच्छा ऑप्शन दे रहे हैं तो वो उस ऑप्शन से हटेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, इम्तिहान का अगला सवाल। चेहरे से आप बहुत रोबदार नजर आती हैं, असल जिंदगी में क्या लोग डरते हैं आपसे? मेरा नहीं ख्याल, डरेंगे क्यों? मेरे ख्याल से मैं काफी क्वाइट इंसान हूँ, उससे शायद लोगों को लगता होगा कि रोब, बट रोब तो नहीं है, थोड़ी सी पता नहीं कुछ शायनेस सी है। अच्छा, कुछ होता है वैसे कभी कभार, कुछ पर्सनालिटीज शाये होती हैं, तो आप शुरू से ही ऐसी हैं, अपने अंदर थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड रही हूं हमेशा। क्योंकि इतना मैंने आपको सोशलाइज करते हुए भी नहीं देखा, और वो कहते ना नपा तुला बोलती हैं जहाँ जरूरत होती है। तो अगर आपको होस्टिंग करनी पड़ी कभी तो क्या करेंगी आप? मुझे एक दफा जियो ने काफी साल पहले, जब नया नया मेरी जात आया था, तो उन्हें लगा था शायद अब इसको इस चीज में भी देखें करके, उन्होंने मेरा बाकायदा ऑडिशन किया, बिठा के एक पूरा शो करंट अफेयर्स के ऊपर और सोशल इश्यूज के ऊपर, और बुलाए लोग जिनके साथ मुझे बात बात करनी थी, मुझसे तो नहीं हुआ। मतलब बिल्कुल नहीं, चुप मतलब जाती थी। मैं उनकी सुनने लगती थी। अच्छा, वो बोल रहे हैं। मेरे साथ भी बड़ा होता था के? एक समटाइम्स ऐसी गेस्ट आ जाती थी, मैं पूछती थी, अच्छा ये आप ये बताएं, इतना अच्छा काम आपने आखिर कैसे कर लिया? बस हो गया। मैं सोच रही हूँ दूसरा सवाल क्या करूँ। अच्छा, तो फिर आप ये बताएं कि आप सुबह मतलब इतना ये दिन कैसे शुरू होता है? तो बस अगर आप चाहें तो हो जाता है, ये होता है हमारे साथ। तो आप सोचिए, और उसके बाद अगर कोई गेस्ट आपको डिच कर जाए लास्ट मोमेंट में, और आपके कान में वो डायरेक्टर की आवाज आ रही है, गजल अब 10 मिनट तो आपने नॉन स्टॉप बोलना है, जब तक कि मैं कोई पैकेज ना निकालूं, तो ये तो आपको तो पता ही होगा। मेरे साथ बहुत दफा हुआ है, कोई नई बात थोड़ी। तो उसमें एक हाजिर ज़हन चाहिए आपको, ताकि आप मोमेंट को बैलेंस कर सके, स्पेशली लाइव के अंदर। यस, बहुत मुश्किल। तो वही ना, तो तभी तो हमसे इतनी गलतियां हो जाती है रोज सुबह टीवी के आगे आना। मैंने एक दफा सॉल्ट और नमक एक साथ बोल दिया ना, नमक और सॉल्ट, अरे भाई मुसीबत हो गई जिंदगी। आमतौर पे भी तो आपके मुंह से कुछ कभी निकल जाता है गलत, तो आप कितना
अब इतने स्क्रिप्ट्स थोड़ी होंगे, इतने सालों से रोज स्क्रिप्ट्स होंगे तो मैं अब ये जो बातें कर रही है ना, मुझे सारी वो याद आ रही है, अपनी रिकॉल हो रही है जो मैंने गलतियां की थी। कुछ कुछ लोगों को पता नहीं चलता है बहुत सारा। उस वक्त सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो माशाल्लाह कुछ भी बोलती हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता है। घर जाती हूँ तो खबर सुनने को मिलती है, अच्छा मैंने ये कर दिया था, ओह। और अब तो 6 साल पहले भी जो किया होता तो वो अब निकल के आ रहा है। लेकिन निदा, हैट्स ऑफ टू यू, बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। जिस तरह से लोग समझते हैं कि आके और 3 घंटे ऐसे गुजार के कोई चला जाता है, भाई सच्ची बात है, मुझे मजा आता है। आपके बारे में जान रही हूँ, आपके बारे में जान रही हूँ, मुझे मेरे लिए ये थेरेपी है। मुझे लोगों के बारे में जानने में बहुत मजा आता है, एनर्जी भी चाहिए। दूसरा ये कि किसी किसी दिन नहीं दिल चाह रहा होता, सुबह नहीं चाह रहा था आप लोगों से मिलने के बाद, सुबह लग रहा था आज की सुबह बहुत अजीब, छुट्टी से आके खासतौर पे सैटरडे संडे आके ना उसके बाद होता है। तो बाहर आपका सवाल मैंने कर लिया, मेरी बारी हो गई। अच्छा हाँ, बाकी बारी। अच्छा गजल जी, हमारे बाल तो अभी से ना होने के, ये किसके लिए लिखा है, खबरदार। अच्छा ये खत आए मेरे बारे में नहीं हो रहा। अच्छा गजल जी, हमारे बाल तो अभी से ना होने के बराबर है, अच्छे बालों के लिए कोई टोटका बात। क्या डॉक्टर बिल्कीस समझ लिया आपने गजल सिद्दीक को? ये हकीम गजल हकीम नहीं, मैं वैसे बात होता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छे हैं वैसे, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि बजाय आप माशरे में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करें महंगी महंगी चीज़ों की, ब्रांडेड चीज़ों की जो अफोर्ड लोग ना कर सकें, और जो केमिकल्स लगा के आप और अपना हशर ख़राब करते हैं, बिल्कुल एक हेयर फॉल आपका शुरू हो रहा है उसके ऊपर आप और ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं ऐसी हार्श किस्म की, जिसमें आपके बालों पे बड़ा स्कैल्प पे स्ट्रॉन्ग किस्म के केमिकल्स लग रहे हैं, तो आप सोचिए वो एक खानदानी है बाल, ये तो पता है मुझे, नहीं सबके अच्छे बाल हैं। ये इस पर भी मैं आपको थोड़ा सा एक वो करूँगी कि जो जीन में हमें चीज़ें मिलती हैं वो एक अहमियत रखती हैं, लेकिन आप उसको अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल से, अपनी बैलेंस डाइट से, अपनी नींद से, अपने हाइड्रेशन से आप उसको डबल कर सकते हैं, अच्छा कर सकते, अच्छा कर सकते। ये नहीं है कि मुझे अगर भाई अगर अम्मा अगर मुझे बाल अच्छे बाल क्या करे बासु, अगर मुझे अच्छे बाल मिले हैं हाँ। और मैं इतना बुरा मेरा लाइफस्टाइल हो हाँ। जंक फूड खा रही हूँ, नींद पूरी नहीं कर रही हूँ, तो मुझे बताएं कि मेरे बाल रहते नहीं रहते। अगर मैं इतना उस पर इस मीडिया में, तो बालों को बचा के रखना एक बड़ी बहुत अपहिल टास्क होता है। तो आप क्या करती हैं बताएं, आपने क्या किया? मैं बहुत कम ब्लो ड्राई करती थी। अच्छा, मुझे डेली आना पड़ता था, मैं ट्वाइस अ वीक बालों को शैम्पू करती थी। क्या करती थी? बाल बांध लेती थी? नहीं, तो बालों को मैं, तो अगर आपकी रूट्स थोड़े से स्कैल्प ऑयली हो जाता है, तो मैं सिर्फ हल्का हल्का सा अपने स्कैल्प पे जो टॉवल होता है आपको सिंपली आपने उसको पानी से निचोड़ के हल्का हल्का सा स्कैल्प को आपने साफ कर दिया। अच्छे बाल होंगे ना कि आपको ब्लो ड्राई आयरन की जरूरत ही नहीं। करती थी ना, ब्लो ड्राई करती थी लेकिन उसको चलाती थी दो। अच्छा चलाती थी, लेकिन फिर आप और क्या क्या जैसे एहतियाती तदाबीर करती थी? जैसे आजकल लोग कहते हैं प्याज का पानी लगा लो, ये कर लो, आप क्या करते हैं? ये सारी चीजें जो है ना, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है नेचुरल चीजों का, इफेक्टिव होती है चीजें, लेकिन अगेन कोई भी मिरेकल नहीं होता, कोई जादू नहीं होता कि आपने अपने सर पे चावलों का पानी लगाया तो दूसरे दिन आपके बाल रिपेंजल की तरह लंबे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब बेकार बातें हैं। आपको सारी चीजों को साथ लेके चलना होता है। ये तो तभी होता है, ये तो है। तो आपका ऑयलिंग वॉयलिंग ये सब चीजें ख्याल करती हैं? बहुत ख्याल करती हूं, अपना ख्याल करती हैं। आप करती हैं अपना ख्याल? तेल तो लगाती हूं हां, मगर और कुछ नहीं। अपने फार्म से निकाला हुआ, आपको नजर ही आ रहा होगा सफेदी देख के, कुछ और नहीं। आपके बालों की क्वालिटी अच्छी है, भले सफेदी हो लेकिन क्वालिटी। और आप मतलब कभी कभार कोई ग्रेस बरकरार रखने के लिए भी रखता है? बहुत सारे लोग हैं, जैसे मरीना ने तो डाई करा लिए थे शुरू में सफ़ेद बाल। अच्छा, फिर उनके उन्होंने छोड़ दिए, फिर अब उन्होंने सफ़ेद ही रखे, तो वो उससे कभी कभार ग्रेस भी ऐड होती है। ये तो अच्छा है कि डाई से जो नुकसान होते हैं, हर केमिकल से नुकसान होता है, उनसे बच गई। हाँ, ये लेकिन आपकी स्किन इतनी टाइटन और वो सारी कैसे, वो सब्जियों की वजह से? अरे हले हले, कुछ हो रहा है जो होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको अभी ब्रेक में जरा कंपैरिजन करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ एक आम औरत जो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। नहीं, मेरे ख्याल से मैं लड़ नहीं रही हूँ कि मुझे जवान जवान नजर आना जरूरी है, मुझे अच्छा कोई मसला नहीं है, सुथरा खाती है जो मेरी उम्र है, मैं उसके हिसाब से जो चेंजेस आ रही हैं उससे मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं उनको किसी तरह से छुपाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मैं जिस तरह हमने अपने फैमिली में लोगों को बड़े होते हुए देखा है, बड़े जैसे भी लग रहे हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं, बस है यूं ही है, कुदरत का एक निजाम है, हम उसका हिस्सा हैं। हाँ। मैं क्यों एक जंग लड़ना शुरू करूं? हाँ। मैं शायद उसकी वजह से सुकून है, अपना मजा होता है।
हर एज का अपना मजा होता है, ग्रेसफुली एज करें एग्जैक्टली, और आपको ये होता है अब हमारी जिंदगी में जो मजे की जो लम्हात है वो ये है कि बच्चों की तरक्कियां देखने, उनके बच्चों को देखना, सो हर एज का अपना एक मजा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद और मजे के लिए सुबह सुबह और खुशगवार बनाने के लिए इनकी बातें सुने, कुछ बहुत अकल आएगी आप लोगों को सुनकर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आपकी मुलाकात आज सुबह हो रही है आपकी मारवी और हमारी गजल सिद्दीक और सम्या मुमताज यहाँ मौजूद हैं। जैसे कि मैं अभी इनसे ब्रेक के दौरान भी बात कर रही थी ना, तो हमारी ये गुफ्तगू हो रही थी कि एक छाप लग जाती है जो भी आप कैरेक्टर्स करते हैं और वो हिट होते हैं तो फिर आपको वही मिलने लगते हैं। सो आपने कभी जान छुड़ाने की कोशिश की उन कैरेक्टर्स से? जी की, ज़रा सा ड्रास्टिक स्टेप ही लिया क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे जब लोग अपनी काम से बाहर भी मिल रहे हैं उनको लगता था कि मैंने जो किरदार प्ले किया है मैं वैसी ही हूँ, आप तो बहुत इनोसेंट हैं, आप तो बहुत सीधी हैं, आप तो बहुत प्यारी हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर था असल जिंदगी में को कॉम्प्लिकेटेड इंसान होता है हर एक बहुत सारी तहें होती हैं लेकिन ये समझ लेना कि सिंपल सिंपल मैं नहीं हूँ सिंपल और मुझे चांस तो देंगे मैं जरा कुछ मुख्तलिफ होने का कुछ इजहार कर सकूं। हाँ। तो उसमें मैं कुछ फ्रस्ट्रेट सी हो गई थी अपनी ही जिंदगी में, तो एक दिन बस मैंने कैंची पकड़ी और पहले मेरे जितने हैं बाल इतने थे पहले यहाँ तक काटे और मुझे याद है मेरे दोनों बच्चे छोटे थे उस वक्त और दोनों रोने लगे, अम्मा ये नहीं कर रहे, उन्होंने कभी देखा ही नहीं था छोटे बालों के साथ मुझे। फिर मैंने पहले कितने थे आपके बाल जो आपने यहाँ तक जितने इतने जितने अभी इस टाइप के थे इतने कर लिए, उसके बाद मैंने देखा अपने आप को आईने में, मैंने कहा नहीं ये अभी भी वैसी लग रही हूँ। फिर मैंने कैंची से अपने आप को गंजा कर लिया, जो कि इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ तो मुझे लग रहा है शायद कोई पागलपन था लेकिन उस वक्त मुझे बहुत ये सेम हरकत लगी थी। से जब ये काटते होगे बाल तो खड़े 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 हो और पैचेस में थे ना, फिर आपको गुस्सा आया था क्या किसी के ऊपर? नहीं, यही एक्सपेक्टेशन लोगों का ये समझना कि वो आपको जानते सिर्फ इस बुनियाद पे है कि आपने किरदार फलाना किया था। आप जज्बाती हैं इतनी, क्यों होंगी तभी तो हम एक्टिंग करते हैं। मतलब कोई वही वाली बात सही कह रही हैं आप कि एक इमेज बना हुआ है तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि अपने बाल खुद काट लेगी। तो जब मैं पहुंची क्योंकि रोल्स तो आ रहे थे, डिस्कशंस चल रही थी, जब मैं उस हालत में या उस ये कब के बाद है, ये कौन से ड्रामे की बात है? मैंने उस वक्त की थी मोर जो फिल्म है जानी की, और किया था एक दुख्तर फिल्म भी की थी उस जमाने में, और एक प्ले किया था पतझड़ के बाद। अच्छा। जो कि शायद ARY पे ही था जहाँ तक मुझे याद है। हाँ। तो उन तीनों पे जब मैं पहुंची सेट पे तो उन्हें मालूम हुआ कि ये तो वो वैसी नहीं लग रही जैसे हमने सोचा था। हाँ। सिर्फ बालों की वजह से। मैंने कहा मैं किरदार वैसे ही करूंगी जैसे आपने सोचा है, नहीं 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 बाल तो औरत तो फेमिनिनिटी ये सब चीजों से मुझे भी वो हो रहा होता था, क्यों आप क्यों समझ रहे हैं कि छोटे बाल या गंजी औरत जब औरत नहीं है। आपने छोटे बालों में नहीं किया? मैं तो थी छोटे बाल में लेकिन उन्होंने मुझे तीनों में विग्स पहनाए और कोशिश की कि वो छुप जाए कि मैं बगैर बालों के आई हूँ। तो आप ये जान नहीं छुटी आपकी? नहीं, एक तरह से नहीं, मगर अपनी पर्सनल जिंदगी में तो कम से कम मैं तो कोई कुछ ऐसा किया स्क्रीन अपीयरेंस जो अपने नेचुरल बालों में था। एक्चुअली पतझड़ के बाद में एक जगह वो दिखाते हैं कि ये जो मेरा कैरेक्टर था वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई है, वो इस तरह से उसको कोई रास्ता नहीं, बिकॉज उसमें ये दिखाया है कि मेंटली चैलेंज्ड आदमी के साथ नुमान एजाज हैड प्लेड दैट के साथ इस लड़की की शादी कर दी गई है, बिकॉज वो लड़का जो है वो अमीर बैकग्राउंड से, लड़की जरा से वो हम्बल है। सो उस वो इतनी एग्जैस्परेट होती है कि वो फिर दिखाते हैं कि जैसे कि अपनी अपनी सोच है उसकी कि वो बाल कटी हुई और आईने में अपने बाल काट रही है। हाँ। बस इस तरह एक झलक सी दिखाते हैं। सही है भाई, ये तो बहुत एक बहुत ही, आपने कोई की है कभी ऐसी चीज, कभी कुछ ऐसा किया? कम काम किया, मैंने तो ज्यादा काम नहीं किया। नहीं, मैं तो काम की बात नहीं कह रही, अपने साथ कोई अनहोनी कर ली, ये तो अनहोनी छाप हटाने के लिए समझ ले रहे। हाँ, या छाप हटाने के लिए, या कभी गुस्से में कुछ, जैसे मैंने अक्सर गुस्से में यासिर का लैपटॉप तोड़ दिया, मतलब कोई में तो नहीं तोड़ा था लेकिन एक ऐसी चीज है जो मेरे हस्बैंड अभी तक उसका मुझे बोलते रहते हैं कि वो ये है कि जब मेरी शादी हुई थी ना, हाँ, तो मेरे हस्बैंड की कुछ टी शर्ट्स थी, हाँ, जो कि बहुत ही एक फेडेड एक
स्टाइल था उसका, जिसका पोचा बनाया जा सकता था, तो पोचा ही तो बनाया था मैंने। मैंने मैंने बड़ा अच्छा काम किया, उसके क्लोजेट की सफाई की, उसके जो लोफर्स थे पुराने टाइप के, सब चीजें जो उसको बहुत पसंद थी, हाँ। सारे निकाल के हाँ। पहले तो सफाई करके हाँ। और आखिर में मैंने कहा ये शर्ट्स तो बहुत फेड हो गई हैं, हालांकि हाँ। उसकी बड़ी फेवरेट शर्ट्स थी वो, बस सॉफ्ट सॉफ्ट सी, उसको मैंने वो दिया सफाई करने के लिए, जैसे बच्चा बच्चे के लिए काम कर लूँ। तो मुझे अभी तक कहता है कि मेरे वो फेवरेट थे, मेरी वो वाली पसंद की शर्ट्स, तो मुझे पता ही नहीं था, मैं नई नई आई थी भाई, तो मुझे क्योंकि हमारे पास देखो शादी के बाद किसी को समझा जाता है, बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजेडी है हमारे पास, हमारे पास शादी से पहले उसको समझने का मौका कम दिया जाता है, कम दिया जाता है। मैं ऑनेस्ट बात बता रही हूँ जो हमारे यहाँ नॉर्मली होता है, हमारी भी इसी तरह से था, कोई पसंद आया, कुछ महीने बातचीत हुई और उसके बाद शादी हो गई। अच्छा, जैसे हर औरत के लिए ना किसी के लिए हस्बैंड की तारीफ बहुत मैटर करती है, किसी के लिए हस्बैंड से अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है, हर औरत की पसंद जो है वो डिफरेंट होती है। अगर मैं आपसे ये बोलूं, जैसे एक आम औरत है, अगर मियाँ ने उसके खाने की तारीफ कर दी वो खुश हो जाएगी, उसके लिए हल्के से गजरे ला दिए वो खुश हो जाएगी, उसकी शक्ल की तारीफ कर दिया कब बड़ी प्यारी लग रही हो, या वो तो सबके लिए खुश होने का क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो मैं अगर गजल से पूछूं कि प्यारे बाल, खूबसूरत आंखें, ये वो, ये तारीफ वारीफ आपको मैटर करती है या कुछ और जिंदगी में मैटर करता है? और ये सवाल मेरा आपसे भी है, आपको, मुझे नहीं लगता कि आपकी तारीफ करता हो मियां तो आपको खुशी होती होगी, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं तारीफ शक्ल वगल की नहीं, लेकिन अगर वो ये कोई ये आइडिया बहुत अच्छा है, ये सोच, या तुमने अच्छा फलानी चीज़ के साथ फलानी चीज़ को कनेक्ट किया, बटन के कितनी यूनिक बात है, या कोई इस तरह की चीज़ कहते हैं, ये बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा होगा, या ये तुमने जरखेज कर दी जमीन, इस तरह की, उससे तो बहुत खुश होते हैं। देखना तो आपकी, आपका वो क्राइटेरिया है कि मेरी वो तारीफ हो तो मैं खुश हो जाऊँ, मेहनत या सोच पे अगर हो जाए तारीफ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ क्या कर, तो मेरे साथ मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे, अगर ये कहा जाए ना, मेरे हस्बैंड की और मेरी पसंद 99% एक जैसी है। अच्छा, 90 मैं ज़्यादा एग्जेजरेट भी नहीं कर रही हूँ। अगर हम किसी स्टोर पे चले जाए ना, आप हम दोनों को अलग अलग कह दें कि कोई एक चीज़ आज पिक करनी है, शायद वो भी वही पिक करेगा, मैं भी वही पिक, बड़े बाप रे, इतनी हद तक। तो हमारी शुरू से एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अंडरस्टैंडिंग, मे बी उसमें उसका बहुत बड़ा रोल हो, वो उसकी बड़ी एक अच्छी वो नेचर है, या हम दोनों को अडॉप्ट करने की एक सलाहियत हो, आई डोंट नो, लेकिन मुझे डे वन से मुझे ये लगा कि दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूं। तो हमारे घर में भी वही चीज़ें हैं जो हमें हर एक कप भी रखा है तो उससे एनर्जी मिल रही है, क्योंकि वो हम दोनों की पसंद है, हमें अच्छा लग रहा है, हम फर्श पे अगर फड्डे नहीं होते, कुशन रख के बैठे, फड्डे वड्डे ऐसे नहीं होते, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है हमारा, अच्छा हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं दोनों, हाँ वो दोनों बड़ा स्ट्रॉन्ग विल भी हैं हम लोग, मतलब वो भी बड़ा अपनी जगह पे, मैं भी, लेकिन वो मेरी रिस्पेक्ट करता है, मैं उसके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करती हूँ, बिल्कुल ये होता है। आप भी स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, मतलब लाइक अगर ओपिनियन दोनों के अलग होते, मेरे ख्याल से मैं थोड़ी मेले हुई हूँ वक्त के साथ, पहले मैं बहुत सारी चीजें जुड़ी होती ना आपकी अना के साथ, कि अगर मेरी नहीं मानी गई तो इसका मतलब है कि मैं कमतर हूँ, अगर आप उसको थोड़ा सा सेपरेट कर लें तो वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगती, अच्छा ठीक है नहीं करते ये, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगती कि मेरी उसमें कोई कमी नहीं, और आ भी गई तो कुछ नहीं होता, थोड़ी सी आपकी प्रायोरिटीज या पर्सपेक्टिव बदल जाता है ना बड़े होते होते। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप अपना काम खुद ही ज्यादातर करने की शौकीन है, लाइक अगर किचन में खाना बच्चों के लिए बनाना है वो, सो आपको सपोर्ट करने के लिए हस्बैंड आते हैं साथ, या आप खुद लगी रहती हैं बस? नहीं, हमारे यहाँ इस तरह से जेंडर रोल्स डिवाइडेड नहीं है, सब अपना अपना करते हैं बराबर का, ये नहीं है कि ये औरत की जिम्मेदारी और दूसरा हेल्प करे, बल्कि ये सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। अम्मा अब्बा के घर में भी ये सिनेरियो सब, अब्बा भी अपने लिए सब कुछ करते हैं, बिस्तर भी बनाते हैं, चाय भी बनाते हैं, सब कुछ अपना, नाश्ता अब्बा, आज तक अम्मा का नाश्ता अब्बा ही बनाते हैं। अरे, और उस तरह से नहीं है, जिसको जो टाइम मिलता है वो कर लेता है, उसमें ये नहीं है कि ये मर्द की ड्यूटी है, और ड्यूटी सो वो एक सपोर्ट और एक हेल्प हर चीज में रही है, और इंडिपेंडेंस भी है, सब अपना अपना करते हैं, सब ये नहीं है कि ये मेरी जिम्मेदारी है तो मुझे ही करना है, जिसका जो दिल चाहता है वो बना के खा भी लेता है। और यहाँ क्या सिनेरियो है, वहाँ तो सारे काम कनाडा, मतलब लाइक एक पाकिस्तान की जिंदगी, कुछ भी कहे आप, सुबह सुबह वो बाजी पैर ऊपर करें जरा झाड़ू निकालना नीचे से, सो ये वाला एक आदत होती है ना हमें बचपन से, क्या करें, और फिर वहाँ कनाडा में जाके
सुनिए, पैर ऊपर करें, नीचे से झाड़ू निकालना है वो चीज़ हो जाती है। ऑनेस्टली वहाँ पे मिट्टी भी कम आती है, क्योंकि घर के बाहर भी ग्रीनरी है, रोड्स भी साफ हैं, बर्फ भी तो जमती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। हाँ, बर्फ तो साफ जाहिर है करनी पड़ती है, वो भी कर लेती हैं, कंपनीज भी करती हैं साफ, हम भी करते थे साफ, मिलजुल के कर लेते थे काम। लेकिन ये कि वहाँ पर एक अकेले पे बोझ आप डाल ही नहीं सकते, नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। और आपको लेबर चीप होता है बाहर के मुकाबले में, तो इसलिए वहाँ पर आप ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सब कुछ सबको काम करना पड़ता है वहाँ पे। कोई इस चीज़ को कोई बुरा नहीं समझा जाता, अपने वॉशरूम्स को धोना, अपना कोई काम करना, ये नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं हुई। चेंज जब आता है ज़िंदगी में तो थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बताऊँ, मेरी अम्मी की एक बहुत अच्छी हमारी तरबियत में एक ये चीज़ भी रही, ऑल्दो कि हमारे फादर ने हमें मतलब जो भी जितना भी वो अपने रिसोर्सेज के तहत हमें पाला, भाई अच्छे तरीके से पाला उन्होंने, लेकिन उसके साथ साथ मेरी अम्मी जो है वो हमें कहती थी अपना काम खुद करो, हमारे घर में काम करने वाले जो भी हमारे हेल्पर्स होते थे उसके बावजूद भी, तो वो एक बचपन से छोटी छोटी चीज़ें करना, शौक, ये सब कुछ अपनी जगह पे, इतना मुश्किल नहीं लगा, इतना मुश्किल नहीं लगा, मतलब कि मैं अपनी कपड़े सी लेती हूँ, मैं अपने सारे काम खुद कर लेती हूँ, टाइम नहीं मिलता वो और बात है। तो ये सारी चीज़ें मुझे कनाडा में बहुत हेल्प आई। अच्छा, अब आप आ गई हैं ना इधर, बहुत हैंडी हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा आप आ गई हैं ना इधर, हमें आप ड्रामों में नजर आएंगी क्या, हमारे आपके जो फैंस हैं वो क्या एक्सपेक्ट करें आपसे? बिल्कुल देखना चाहेंगे, अच्छे रोल्स होंगे तो जरूर करूंगी। तो मतलब है अभी एक्टिंग वगैरह करेंगी आप? इंशाल्लाह करूंगी, इंशाल्लाह। अच्छी अच्छी चीजें कम बट। और समिया जो है एक्टिंग की का ही इंतजार में है कि अच्छे कैरेक्टर्स होंगे तो करूंगी। सरप्राइजिंगली अच्छे कैरेक्टर्स तो हैं, आ भी रहे, लेकिन वो टीवी के लिए नहीं इतने आ रहे, वो या तो वेब प्लेटफॉर्म ओटीटी तो के लिए तो है ना, ओटीटी का जमाना है, मगर वो इतने ज्यादा देखा नहीं जाता। कितने अभी इस वक्त प्रोजेक्ट्स, इस वक्त कम अज कम 5 प्रोजेक्ट्स जो मैं कर चुकी हूँ और वो साल गुजरते जा रहे हैं और वो उनको वो मौका नहीं मिल रहा कि वो किसी ना किसी वजह से फंसे हुए, क्योंकि वो कोई ऐप थी जिस पे आना था तो वो फलानी उसकी टेक्निकल इशू हो गया या कुछ जो भी वजह है, मगर वो करके और गायब है, फॉरगॉटन है। अच्छा, तो वो यही है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए आपने की है और वो जो काम किया है वो रखा है, वो आएगा तो एकदम आएगा, फिर लगेगा समिया ने बहुत काम कर लिया, ये अल्लाह जाने ना ही आए, क्या पता ही होगा अल्लाह। ये एक एक्टर के लिए थोड़ा सा दुखी होता है बंदा के, आप इतनी मेहनत करते हैं, वो है अनफॉर्चुनेटली ऑडियंस के बगैर आपका काम जो है वो बेमानी सा है ना। सो हम देखेंगे आपको डायरेक्शन करते हुए कभी। टीवी की तो मुश्किल लगती है, मुझे समझ ही नहीं आता, अभी तक नहीं समझ आता टेक्निकली, हां नहीं है इतनी आप ज्यादा, मगर स्टेज की करती हूं। अच्छा, स्टेज की। हां, टीवी में तो बहुत टेक्निकल चीजें ऐड इन हो जाती हैं, कैमरा क्रॉस ना हो जाए, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लाइन जो होती है वो मुझे आज तक नहीं समझ आई। मुझे समझ आ गई, मुझे मेरे मियां और मेरे बाप ने बड़े अच्छे से समझाई तो मैं समझ गई, फिर मैं पकड़ भी लेती हूँ टीवी जब चल रहा होता है कोई ड्रामा, अच्छा इसने 180 क्रॉस कर दिया। आई डोंट नो, लेकिन अब मॉडर्न डायरेक्शन में तो ये तो बहुत जगह बहुत फिल्मों में क्रॉस भी करते हैं। अभी तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, आपको बच्चों से बहुत कुछ सीखेंगे। हाँ, मैं तो सीख रही हूँ भाई बहुत, वो सीखने का दौर तो कभी भी नहीं खत्म होता। बिल्कुल, माँ जो होती है ना वो एक दफा नहीं पढ़ती है, वो उसके जितने बच्चे होते हैं ना वो है ना? गुजरती है उनको पढ़ाने के लिए, 10 दफा ग्रेजुएशन करती है। ये वाली बात सही है बिल्कुल। थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आपने अपनी सुबहें हमारे व्यूअर्स के नाम की, अपने पास के नाम की। एक बात काफी टाइम से मैं सोच रही थी, एक अनफॉर्चुनेट जो बात हुई, सुमैया आई गेस जी, सलमान भाई की बेटी, तो उन पूरी ARY की पूरी टीम, ARY के पूरे फैंस जहाँ जहाँ दुनिया में देख रहे हैं, यकीनन उन सबको तकलीफ हुई होगी, तो मेरी तरफ से कंडोलेंस जो है वो मैं करना चाहूँगी। बहुत ही अफसोस हुआ। हाँ, बहुत अफसोस हुआ। और बस इसके अलावा इंसान क्या कर सकता है, ये तो चीज़ें हैं ही उस ऊपर वाले के हाथ में, तो बस यही है सबसे भी दुआ की रिक्वेस्ट है कि सब उनकी फैमिली के लिए दुआ करें। सबर आना बड़ा, औलाद चली जाती है ना, सबर बहुत मुश्किल से आता है पूरी खानदान को, सो बस सबर की दुआ करें और अल्लाह ताला सुमैया को जन्नत में आला मुकाम दे। आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू जी। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज की सुबह लगता है इन्फॉर्मेशन से भरपूर है, कितनी सारी चीज़ें हैं आपने एज पेरेंट भी सीखी होंगी हमारे आज के प्रोग्राम से, और उसी सीख को आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ इरम बिनते सफिया से, जो कि एक बहुत ही प्यारी सी किताब लेकर आई हैं आपके लिए, नो वन
taught me this. जी ये किस चीज़ से related है मैं आपको अभी बताती हूँ जी. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? मैं आपको देख के तो बहुत खुश हूँ. अच्छा. और मैं आपकी किताब देख के बहुत खुश हूँ. जज़ाकअल्लाह. ये मैं नाज़रीन को बताती चलूँ कि ये पेरेंटिंग के लिए बेहतरीन गाइड है. बहुत सारी नई मदर्स को बहुत कुछ पता होता है लेकिन पेरेंटिंग के बारे में नहीं पता होता, क्योंकि वो अपनी बड़े बुजुर्गों से ही जो सीख रही होती हैं. वो ज़माना और था एक माँ बनने का, एक बच्चा पालने का, और आजकल का ज़माना बिल्कुल डिफरेंट हो गया. सो इसमें हमें क्या मिलेगा? जो एक जॉब है हमारी जिसके लिए ना हम पढ़ते हैं, ना हम सीखते हैं, ना हम कोई डिग्री हासिल करते हैं, ना ही उसकी कोई ट्रेनिंग होती है. और जो सबसे इम्पोर्टेंट जॉब है सारी जिंदगी की जॉब है, राइट? पेरेंटिंग हमारी आइडेंटिटी नहीं है, पेरेंटिंग हमारे जॉब टाइटल है, राइट? और वो जॉब टाइटल पे आप जॉब पे ही सीख रहे होते हो, ऐसा नहीं होता. हर स्टेज इज अ लर्निंग स्टेज फॉर द पेरेंट एज वेल. तो आपका सवाल ये था कि इसमें क्या सीख रहे हैं? मेरा सवाल ये था कि जो वो हमें हमारे आबाओ अजदाद ने अम्मा उन्हें बिठा के समझाया था, हाय बेटा ऐसे करना, हाय बेटा वैसे करना, तो इसमें क्या है? इसमें ये कि बेटा तुम्हें गुस्सा आता क्यों है? इसमें ये है कि जब तुम्हें गुस्सा आ जाए तो करना क्या है? इसमें ये है कि जब पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप वीक हो तो उसको रिपेयर कैसे किया जा सकता है. इसमें आपके जज्बात, आपकी सोच, तक्वा तवक्कुल के साथ, साइंटिफिक रिसर्च के साथ उसको इकट्ठा करके कोचिंग टिप्स देते हुए आपकी या पढ़ने वाले की ज़िंदगी आसान की गई है. क्योंकि ऐसा कोई शख्स नहीं जो कहेगा कि मैं पेरेंट हूँ और मेरी पेरेंटिंग लाइफ परफेक्ट है. क्योंकि पेरेंटिंग लाइफ अगेन is just a portion of a human being's life. आपकी life का एक portion है. आपकी life में आप जैसे for example, माशाल्लाह you are a professional. आप काम करते हो. मैंने आपके कई interviews देखे हैं. आप बताते हो कि सुबह सुबह उठते हो, अपना पूरा दिन का शो होता है, फिर आपने जाके घर संभालना होता है. अब आप यहाँ का जो stress उधर लेके जा रहे हो और फिर बच्चों की अपनी ज़रूरियात होती हैं, अपनी emotional needs होती हैं, फिर वहाँ से जो stress लेते हो. तो हर इंसान किसी ना किसी mindset के साथ चल रहा होता है और एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर तहें बनती जाती हैं. तो मैंने अपनी कोचिंग से मेरे जब क्लाइंट्स आते हैं तो मैं सबसे पहले बुक लिखने से पहले क्या करती हूँ, आपका एक्सपीरियंस जो आपने इसके अंदर कलम बंद किया है और अपनी ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आप खुद एक बहुत यंग है मदर, तो अब एक यंग मदर के थ्रू ये बुक जब लोगों के पास जाएगी तो उनका एक्सपीरियंस क्या है लाइफ का. एग्जैक्टली. और यंग मदर इतनी भी यंग नहीं है लेकिन जज़ाकअल्लाह खैर लगती तो है. थैंक यू. सेम टू यू. सेम टू यू. अल्हम्दुलिल्लाह. तो मुझे ये बताएं आपका क्या बैकग्राउंड है, किस तरह आपने ये बुक लिखी है? मेरा बैकग्राउंड ये है कि आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, एजुकेशनिस्ट हूँ. और रिसर्च से मेरा ताल्लुक है. मेरा जब मैंने कुरान साइंसेज, हदीस साइंसेज सीखी, उसके साथ साथ मैंने साइकोलॉजी और उसके अलावा सारी साइकोलॉजी सही नहीं है, राइट? जब इंसान को कुरान से बसीरा मिल जाती है तो उसको ना जिसको कहते हैं कि खाम खां का जो फसाद है उसमें से छांटने को समझ आ जाती है कि ये बात जो है ना, ये साइंस और रिसर्च जो कह रहा है ये हमारी सीरा से सुनना से करीब तरीन है. मेरा जो पूरे का पूरा फोकस है या नीश है कह लो वो ये है. और इस बुक में मैंने यही किया कि प्रॉपर कुरान सुनना और साइंटिफिक रिसर्च, जो चाइल्ड साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, अटैचमेंट थ्योरी, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान के दिमाग, दिल, उसका माहौल, मिजाज, उसका एक मिजाज बनाती हैं. अच्छा, बहुत सारे सवाल हैं एज मदर मेरे दिमाग में भी और बहुत सारी माओं के दिमाग में होंगे. कुछ बच्चे होते हैं पता नहीं क्या फितरतन ज़िद्दी होते हैं या वो सुनते नहीं हैं किसी की बात. तो सुनने को ये मिलता है माँ को, तुमने बड़ा बिगाड़ दिया है, ये तो किसी की बात सुनता नहीं है. क्यों नहीं सुनता? अगर मैं छोटी छोटी सवाल आपसे इस हवाले से करूँ तो इसका ना कोई एक ब्लैंकेट जवाब नहीं है मेरे पास. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे पास एज अ क्लाइंट आते और मैं आपकी कोच होती तो मैंने आपसे ना तीन चार सवाल ओपन एंडेड सवाल करने, तो मैंने आपसे पूछा था नेता आप मुझे ये बताओ कि आप बात क्या मनवाना चाह रहे हो उससे. फिर अगर आप मुझे जवाब देते तो मैं कहती नेता ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. फिर उसका जवाब देता तो मैंने कहा निदा आप इसको बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हो. क्योंकि मैं आपकी साइकोलॉजी समझूंगी, आपकी चाह समझूंगी तो मुझे समझ आएगा कि आपके लिए कितना ज़रूरी है बच्चे से वो बात मनवाना या फिर बच्चे से कनेक्ट करना. और बहुत सारी माएँ, इनफैक्ट 99.9% माएँ दिल से अपने बच्चों से कनेक्ट होना चाहती हैं. अच्छा, बहुत सारी आम चीज़ें, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, बच्चा सुबह टाइम पर उठ नहीं रहा है, बात नहीं मानना ना, छोटी 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 बात, पढ़ नहीं रहा, ये बेसिक वाली बातें हैं जो बच्चा नहीं मान रहा होता और फिर वो ज़िद्दी होता चला जाता है. सो मैं इन छोटी छोटी बातों की अगर कहूँ कि ये बात नहीं मानते आम बच्चे, क्यों नहीं मानते?
सवाल पहले क्यों नहीं मानते, ऐसा क्या है जो उनको ट्रिगर कर रहा है, और ऐसा क्या है जो हमें ट्रिगर कर रहा है, हमारे लिए ये हमारी अना का मसला क्यों बन गया, नहीं होगा तो उसका नुकसान क्या है, और कौन सा तरीका है कि बात मनवाई जा सकती है। अगेन मेरा एक चैप्टर है इसमें जिसमें है कोलैबोरेशन, क्योंकि कनेक्शन करने के बाद कोलैबोरेशन की जरूरत। कनेक्शन, बच्चे को आपसे प्यार है, आपको बच्चे से प्यार है, ये तो कनेक्शन हो गया। आप बच्चे को समझ रहे हो, आप बच्चे के लिए एम्पथी क्रिएट कर रहे हो, आपने बच्चे के लिए कंपैशन क्रिएट किया, राइट, जो कि सुनने का तरीका है। लेकिन फिर उसके बाद कोलैबोरेशन कैसे करोगे, यानी कि उसके साथ मिलजुल के मसाइल का हल नहीं निकालना आता। हमारा है ठक 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 ठक, ये कर लो ये कर लो ये कर लो, क्यों, क्योंकि मैं माँ हूँ, मुझे पता है बेहतर, और ओके फाइन। आपने पहली बात जो रखी थी प्रोग्राम शुरू होते समय कहा था कि ज़माना मुख्तलिफ है, टाइम मुख्तलिफ है। मुझे एक ये चीज़ बहुत क्योंकि मेरे अपने तीन बच्चे हैं, बसाम इज़ माशाल्लाह 17, रामीन इज़ माशाल्लाह 15, एंड रुमाइसा इज़ माशाल्लाह 13 years old, और मुझे समझ में आता है कि चूँकि मैंने स्टडी किया है कि इस एज की जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो जो टॉडलर्स नहीं होते 2-3-4 साल के बच्चे उनके करीब तरीन है। इमोशनली इस एज ग्रुप के बच्चे वैसे ही बहुत चार्ज्ड अप होते हैं, लॉजिकली भी बेहतर हो रहे होते हैं, लेकिन फिर पेरेंट्स को एटलीस्ट पता होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात नहीं था, मशीनरी आई है, मशीनरी का ABC तो पता हो ना कि मशीनरी ख़राब होने लगी है तो उसमें कौन से पेज को हिलाना और कौन से को नहीं हिलाना। एज पेरेंट्स वही बात है ना, हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम सीखने का अमल नहीं रखते। हमें यही नहीं पता कि बच्चे का टेम्परमेंट पता होना चाहिए, बच्चे की एज के हिसाब से उसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं बच्चा मोटा है, बच्चा सुस्त है, बच्चा स्लीपी है, यही नहीं पता कि बच्चे को स्ट्रेस है, क्यों है, क्या किया जा सकता है, कौन से फूड्स दिए जा सकते हैं। ये जो पेरेंट्स हैं ना, मैं आपके आम जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, नॉर्मल बस पढ़े लिखे, तो वो ये कहते हैं कि अरे बच्चों को क्या स्ट्रेस होगा, अरे बच्चों के सर में कैसे दर्द हो सकता है। मैं आपको ये आम पेरेंट्स जो सोचते हैं मैं उनके बारे में बता रही हूँ, और ड्रामा कर रहा होगा सर में दर्द है, अरे भाई क्या स्ट्रेस है, पढ़ाई के स्ट्रेस के अलावा तुम्हें है क्या, हमने कमा के लाना है, ये बातचीत होती है माँ बाप की आपस में। और इसीलिए मैंने जो पहला चैप्टर लिखा है वो लिखा है कंपैशन, तक्वा फ्यूल्ड कंपैशन। मैंने अपनी किताब की पहली जो बुनियाद रखी है वो रखी है कि रब पे रब का तक्वा होगा तो वो पेरेंट पहले एक अच्छा अल्लाह वाला, अल्लाह से तक्वा रखने वाला इंसान होगा। जो एक अल्लाह से तक्वा रखने वाला इंसान होगा वो नरम मिजाज होगा। अल्लाह सुभान व तआला अर्रहमान है, अर्रहीम है, अल-करीम है, अल-हलीम है, और ये क्वालिटीज़ अल्लाह की इसलिए हैं कि हम उसको अपनाएं, इसलिए नहीं है कि वो बस अल्लाह की हैं और बस ठीक है। एक पेरेंट का पहला काम है अर्रहमान से रहम सीखना, अर्रहीम से रहम लेना। खुद अगर अपनी ज़ात में सॉफ्टनेस और कंपैशन होगा, अगर हमें खुद को अपनी गलतियों पे माफ़ करना आएगा ना नेता, तो हमें अपने बच्चों की गलतियों पे भी इतना गुस्सा नहीं आएगा, और उनको समझने के लिए जो एक गुंजाइश एम्पैथी जिसको कहते हैं वो हम पैदा कर सकेंगे। अच्छा, माँ बाप बड़े कंफ्यूज होते हैं किस वक्त उनको नरम दिल होना है, किस वक्त उनको थोड़ा सख्ती बरतनी है, क्योंकि ये सारी मिली जुली कैफियात जो है ये एक पेरेंट बनाती हैं, वो कैलकुलेशन माँ बाप को नहीं पता पता होती है। अगर पेरेंट ने शुरू में 0 to 7 ईयर्स में पेरेंट ने अपना पूरा फोकस दिया है ना, तो नहीं तो आगे के साल ना आसान हो जाते हैं। आप और मैं माँ हैं, चलता हुआ हमारा बच्चा जा रहा है ना, उसके मूड को देख के मैं पता चलता था कि इसको कुछ है। तकवा वाला जो पेरेंट होगा ना, वो ये नहीं कहा इधर आओ इधर आओ ये मुंह क्यों बनाया हुआ, ऐसे नहीं बोलेगा। तकवा वाला पेरेंट खुद उठ के पास जाएगा। अच्छा, अगर आप एक आम पेरेंट लेते हैं, शादी हुई है जी, बच्चे हुए हैं, उस वक्त बच्चे भी हुए हैं, उस वक्त आपकी लाइफ की स्ट्रगल भी चल रही है, आपने जी अपार्टमेंट से घर में भी शिफ्ट होना है, ये सब चीज़ें साथ हो रही होती हैं। वो एक जो माँ बाप है उन सब चीज़ों को लेके चल रहा होता है, शादी भी नई नई होती है, बच्चा हो जाता है, उसमें भी सेटल हो रही होती, तो एक माँ बाप की ज़िंदगी में भी बहुत कुछ चल रहा होता है जब बच्चा 0 to 7 तक होता है। बेतहाशा चल रहा होता है। मैं मानती हूँ उस वक्त हमारी शादियाँ सेटल होने में आ रही होती है, हमारी शादियाँ इतनी यंग होती हैं उस वक्त कि यू कैन नॉट इवन से कि मतलब कोई ब्रेक मिलता है। ये सारी बातें ब्रेक के साथ नहीं होती, ये ऑन द गो होती हैं। तक्वा माइंडसेट पेरेंटिंग ऑन द गो है। हमारे यहाँ लड़कियों की छोटी उम्र में शादियाँ हो जाती हैं, वो छोटी उम्र में माएँ बन जाती हैं, उस वक्त उनको अपने आप को तो संभालना नहीं आ रहा होता कि वो एज पेरेंट बन के ये सोचे, तो क्या ये बुक इस वक्त उनको हेल्प करे? यस प्लीज, यस, ये बुक आपको आपकी बहुत सारी जहनी दिली पेचीदगियों से आज़ाद करेगी, यकीन माने, क्योंकि मैंने इसी नज़रिए से लिखा है। हमारे स्कूल्स में कोई करिकुलम नहीं है, मेरी तो रिक्वेस्ट है कि कोई इसको करिकुलम का हिस्सा बना दे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपने ज़िंदगी के पेचीदगियों में इमोशनली नेविगेट कैसे करना है। क्योंकि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सब्र का बताया था तो मैंने इसमें
कुरान का भी हवाला दिया कि सब्र है क्या, और साइंटिफिकली भी दिया कि उसका मतलब है कि आप कॉग्निटिवली फ्लेक्सिबल हो, यानी कि जब एक चीज़ आपको हिट कर रही है, एक मसला आपको लग रहा है, तो आप फौरन परेशान हुए हो, लेकिन वो जो तकवा और शुक्र वाला माइंडसेट वाला बंदा ना, वो थोड़ा सा काम डाउन होकर सोचेगा, अच्छा सब्र कर लो, अच्छा इसके अलावा क्या हो सकता है, और ये जो बस इतना सा गैप है ना कि इसके अलावा क्या हो सकता है, वो आपकी पेरेंटिंग को फैंटास्टिक कर देता है। कहाँ से मिलेगी ये बुक, कैसे बाय कर? ये बुक जो है लाहौर में है रीडिंग्स, तो वहाँ से मिलेगी, और रीडिंग्स का ऑनलाइन भी है, उस पर भी आपको मिल जाएंगे। ओके ग्रेट, बहुत अच्छा आपने काम किया है ये, खासतौर पे मैं वही कह रही हूँ ना कि इन चीज़ों के खाना पकाने की किताब तो गिफ्ट कर देता है जी एक नई बच्ची को, इसकी भी बहुत शदीद ज़रूरत है। बेशक वो प्रायोरिटी पे रखा जा रहा होता है कि भाई मुझे लगता है कि खाना पकाने से ज़्यादा एक जनरेशन को तरबियत देना बहुत ज़रूरी है, और वो एक माँ बाप से ज़्यादा बेहतर कोई और कर नहीं सकता। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड ये बुक जिसका नाम है नो वन टॉट मी दिस, ये ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आपको भरपूर ज़िंदगी गुजारने का मौका देगी, क्योंकि अगर कहते ना आपने सब कुछ कमा लिया और आपकी औलाद नहीं अच्छी तरबियत ले पाई, सो ज़िंदगी में फिर कुछ नहीं रहता। सो ये बुक इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, एंड खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, दुआ में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।